ब्रहन मुंबई महानगर पालिका माध्यमिक शिक्षा विभाग के ओर से आप सभी उपस्थित अधिकारी वर्ग खाड़े मैडम श्रीमती ठाकरे मैडम गोसावी सर, सर तथा उपस्थित मुख्याध्यापक अध्यापक वर्ग और सबसे महत्वपूर्ण मेरे प्यारे विद्यार्थियों संगीता सावे का सभी को मनपूर्वक नमस्ते आज कक्षा नवी के लिए हिंदी विषय का व्याख्यान प्रस्तुत करने का मुझे आपने सुनहरा मौका दिया है इसलिए सभी मान्यवरों का धन्यवाद उज्जवल भविष्य के लिए एक ही आशा पढ़ाई पर टिकी है सर्व आशा जीवन में अगर कुछ करना है तो हमें पढ़ाई के साथ चलना है आज हम देखेंगे नवी नवी की हिंदी मार्गदर्शन अभी हिंदी मार्गदर्शन का मतलब क्या है अभी हमारी पढ़ाई जो ऑनलाइन चल रही है ये ऑनलाइन इसमें हमने पढ़ाई तो की है लेकिन अभी परीक्षा में क्या लिखे कैसे लिखे इसका मार्गदर्शन आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाली हूँ आज तक जितना पढ़ा है आपने लेक्चर अटेंड किए है उन लेक्चरों के पास आपके पास लिंक तो है वो आप बार बार जाकर YouTube पर देख सकते हैं लेकिन परीक्षा में किस तरह से हमें कृति पत्रिका पूछी जाएगी और उस प्रति कृति पत्रिका में आपको किस तरह से लिखना है वो आज हम देखेंगे अभी नौवी कक्षा है इसलिए हमें सिर्फ दूसरी इकाई का विचार करना है पहली इकाई पहले मई में गई तो अभी परीक्षा जो लिखनी है अभी जो हमें कैसे हो पता नहीं है परीक्षा कैसे ली जाएंगी लेकिन हमें तैयारी करनी है तो हमारे सामने दूसरी इकाई है इकाई के अंतर्गत गद्य पद्य और पूरक पठन ये तीन विभाग आते हैं तो ये गद्य जो है इसमें हमें सिर्फ तीसरा इनाम और पांचवा अतीत के, के अंतर्गत कह कविराय उड़ान और ग्यारहवीं कविता स्वतंत्रता गान ये तीन कविता है पूरक पठन के अंतर्गत जंगल निसर्ग वैभव और मेरे पिताजी ये पूरक पठन है यानी कुल मिलाकर हमें कितनी पढ़ाई करनी है आठ आठ यानी ग्यारह है दूसरी इकाई में उसमें गद्य दो पद्य तीन पूरक पठन तीन अभी ये सभी पाठ सभी गद्य विभाग सभी पद्य विभाग पूरक पठन हमने पढ़ा है उसका स्वाध्याय भी पढ़ा है व्याकरण भी पढ़ा है सब कुछ पढ़ा है अभी हमें सिर्फ हमें परीक्षा के और किस तरह से लिखना है उसकी हम जानकारी लेंगे अभी गद्य विभाग का परिचय करेंगे तो गद्य विभाग 20 अंक का आता है अभी इस 20 अंक में हमें जो दो पाठ है उसका हम अल्प करेंगे। अभी पहला जो पाठ है इनाम, उसके लेखक है अरुण हमें ध्यान रखना है कि पाठ जो है पाठ का नाम भी हमें याद रखना है और लेखक का नाम भी याद रखना है क्योंकि हमें वो ज्यादा जानकारी के लिए कोई भी समय हमें इस्तेमाल हो सकता है स्वमत लिखते समय भी हमें इस्तेमाल कभी कभार हो सकता है कभी रचना विभाग में भी हमें हो सकता है यानी लेखक और पाठ का नाम ध्यान में रखना है हमने जो कुछ पढ़ा है वो हमें ध्यान में रखना है तो इनाम ये पाठ है अभी इनाम इनाम नाम से भी हमें परिचित होता है कि इनाम यानी कोई भी काम अच्छा किया तो हमें इनाम मिलता है तो यहाँ इस पाठ का संक्षिप्त परिचय आपको आपके सामने रखा है एक लेखक को इनाम में एक रेफ्रिजरेटर मिलता है यानी अरुण जी है उनको इनाम में रेफ्रिजरेटर मिलता है जिसे हम फ्रिज कहते हैं रेफ्रिजरेटर मिलना था कि मोहल्ले का कोई भी आदमी अपनी बची सब्जी अभी आपने पाठ पढ़ा है इनाम का कि किस तरह से वो रेफ्रिजरेटर मिला आसपास वाले लोग कैसे उनके यानी मुझे ही रेफ्रिजरेटर मिलना चाहिए इनाम में ऐसे सोच रहे थे लेकिन लेखक के नाम वो लॉटरी लग गई और बाद में क्या हुआ उनके घर में ताता लगा ताता लगा मतलब क्या सब लाइन लगने लगी फ्रीज देखने के लिए और फ्रीज देखने के लिए अपना ही फ्रीज है ये सोचकर सभी जो आसपास के मोहल्ले के कोई भी आदमी हो बची कुछ सब्जी मिठाई या कोई खाद्य पदार्थ हो उसमें रखने चला आने लगा लेखक को अपना सामान उसमें रखने की जगह ही नहीं मिलती थी फ्रिज उनके घर में था लेकिन सामान फ्रिज में किसका था अन्य लोगों का था अपना ही सामान बाहर रखते थे वो इस बीच में एक व्यक्ति लेखक को इस परेशानी से छुटकारा पाने की एक ऐसी तरकीब बता देता है जिसे आजमा कर लेखक को मोहल्ले वालों से अभी लेखक का ही परिचय वो कुछ रखने आता है वो कुछ रखने आता है तो नहीं होती है। जिसे आजमा कर लेखक को मोहल्ले वालों से मुक्ति मिल जाती है तो उसने तरकीब अनजाने में तरकीब कर दी कि मुझे मेरी चीज रखनी है तो ये चीज निकालो खा जाओ जो खाने की चीजें खा जाओ पता नहीं खा ली मैंने खराब हो रही थी खा ली इस तरह से लेखक को भी एक आइडिया मिल गया कि हाँ चलो ऐसे करेंगे तो पड़ोसियों से मुक्तता मिल जाएंगी और आखिर में यह मुक्तता कैसे मिली वो हमने इनाम पाठ में देखा हमें हमेशा जो पाठ है पूरक पाठ है या पूरक पठन है कविता है उसका सार क्या होना चाहिए हमारे पास इनाम इनाम में क्या है ये संक्षिप्त में हमें मालूम होना चाहिए पाठ का नाम याद होना चाहिए लेखक का नाम याद होना चाहिए इस तरह इनाम की एक शॉर्ट में आपको मैंने ये बता दी कहानी दूसरा है अतीत के पत्र यानी गद्य विभाग में दो ही हमको हाँ पाठ है इन दोनों पाठों में से आपको यानी परिचित आ सकता है यानी आ सकता है बोला कि दो ही पाठ है तो दोनों में से ही आ सकता है तो अतीत के पत्र इसके लेखक हैं विनोबा भावे और गांधी जी इस पाठ में विनोबा भावे जी का दृढ़ निश्चय परिश्रम अनुशासन देश सेवा व्रत आदि गांधी जी के प्रति उनकी श्रद्धा और समर्पण की भावना प्रदर्शित की गई है साथ ही पत्र में विनोबा जी के प्रति गांधी जी का विश्वास और पितृवत स्नेह एवं विविध मानवीय मूल्यों का वर्णन किया है यहां पर विनोबा जी और गांधी जी है। तो मानवीय मूल्य क्या होने चाहिए कि मानव है हम इस दुनिया में आए हैं तो हमारे मूल्य कौन से होने चाहिए कि एक दृढ़ निश्चय करना चाहिए जैसे आपको पढ़ाई करनी है निश्चय करना है परिश्रम करना है उसके जा, तो तो अनुशासन देश सेवा व्रत ये गांधी जी के प्रति उनकी श्रद्धा जो है और समर्पण की भावना है वो भी प्रदर्शित की गई तो इनमें से हमें जो पाठ दिए हैं गद्य विभाग में नहीं? हमारे महाराष्ट्र शासन ने जो हमारे सामने पाठ रखे हैं नवी कक्षा के लिए हर पाठ में से हमें कुछ ना कुछ सीख मिलती है वो सीख हमें जाननी चाहिए सिर्फ पढ़ाई है ये सोचकर नहीं करना चाहिए हर पाठ का सार जो है वो हमें ध्यान में रखना है पाठ का नाम लेखक का नाम और हमें पाठ पढ़ना है सिर्फ हमें सिर्फ स्वाध्याय करना नहीं है तो पाठ पढ़ेंगे तो स्वाध्याय हम अच्छी तरह से कर पाएंगे ये ध्यान में रखना है तो ध्यान में रखो गद्य विभाग बीस अंक है तो बीस अंक के लिए हमें सिर्फ दो पाठ है दो पाठ की अच्छी तरह से हम पढ़ाई करेंगे तो आठ अंक के लिए इनाम का आ सकता है कोई भी परिचय आठ अंक के लिए अतीत के पत्थ परिचय आ सकता है यानी आ सकता है बोले कर इनमें से कोई भी आ सकता है तो आपकी तैयारी होनी आवश्यक है ये ध्यान में रखो अब हम बढ़ेंगे यानी यानी हम बोलते हैं इनाम के लिए तो इनाम अलग अलग तरीके से होते हैं अलग अलग तरीके से हमें मिलते हैं जैसे आपके सामने चित्र रखा है मैंने कि किस 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 तरह से हमें इनाम मिलते हैं हम बचपन में भी देखते हैं हमें कुछ अच्छा काम किया तो तुझे चॉकलेट दूंगा हा मैं यानी ये, ये खाने की चीज लाकर दूंगा ये है छोटा छोटा इनाम है ये ध्यान में रखो अच्छे काम के बाद ही हमें अच्छा इनाम मिलता है ये इस कहानी के द्वारा यानी एक व्यंगात्मक कहानी भी है कि इनाम इनाम के यानी एक हास्य जो निर्माण किया है कि किस तरह से लोग परेशान होते हैं इनाम मिलने के बाद वैसे हमारे जो पत्र है ये पत्र अभी ये इतिहास जमा हो गए अंतरदेशीय पत्र है यहां पर पोस्ट कार्ड है अभी तो सब यानी हम इंटरनेट पर हम देखते हैं मेल करते हैं या फिर किसी को व्हाट्सअप पर मैसेज भेज देते हैं लेकिन पहले के जमाने में एक दूसरे के साथ संपर्क करने का साधन यही था अंतरदेशीय पत्र पोस्ट कार्ड हो या कुछ इमरजेंसी हो यानी वो तत्काल टेलीग्राम भेजते थे वो तार आने पर वो सुखद होने पर भी कभी कभार गांधी जी और विनोबा भावे ये जो है उनके पत्र लेखन का अनुभव एक मिला है कि एक दूसरे के प्रति कैसे उनका व्यवहार था और किस तरह से मानवीय मूल्यों को उन्होंने आपके सामने रखा है अभी हम देखेंगे कि हमारी कृति पत्रिका कैसे है अभी कृति पत्रिका का प्रारूप आपको पता है बार बार आपके सामने रखा है फिर भी कभी कभार क्या होता है कि कृति पत्रिका यानी प्रश्न पत्रिका अभी हमें उसे प्रश्न पत्रिका नहीं कहेंगे तो कृति पत्रिका कहेंगे हमें उसकी कृति करनी है प्रश्न पूछे नहीं जाएंगे उसमें हमें कृति करनी है जो कृति करने के लिए अलग अलग कुछ कुछ दिया होता है उसमें से हमें करना है अभी जो पठित है अ और इ ऐसे आता है अ और आ में पठित होता है पठित आपने जो पाठ पढ़े हैं गद्य विभाग के बारे में कह रही हूँ तो दो ही पाठ है उन दोनों पाठों में से आपको परिचित आएगा तो आपको दोनों पाठ अच्छी तरह से पढ़ना है यानी गद्य विभाग जो है सोलह अंक इसके है और चार अंक अपठित के है तो पठित में किस तरह से कृति पूछी जाएगी तो आकलन की दो कृतियां है आकलन यानी क्या कि हमें पढ़ने के बाद जो समझ में आता है उसे आकलन कहते हैं आकलन यानी <coughs> सॉरी पढ़ने के बाद जो समझ में आता है उसे आकलन आकलन यानी मुझे क्या समझ में आया ये पढ़ने के बाद वो आकलन है और पहले क्या करना चाहिए हमें परिच्छेद पढ़ना है या प्रश्न पढ़ना है यानी जो कृतिया दी है वो पढ़नी है तो सबसे पहले वो जो कृतिया दी है वो हमें पढ़नी है और बाद में परिचित पढ़ना है यानी हमारे मन में जो आकलन की कृतिया है शब्द संपदा की कृतिया है स्वमत की कृतिया है जो कुछ पूछा गया है हमारे दिमाग में बैठ गया है और उसके अनुसार हमें परिचित पढ़ना है फिर हमें ध्यान में आता है इसका जवाब यहाँ है इसका जवाब यहाँ है हमें आसानी से मिल सकता है तो आकलन दो दो अंक के यानी चार अंक के आकलन है शब्द संपदा दो अंकों की है स्वमत दो अंक का है कुल मिलाकर आठ अंक का एक परीक्षित है वैसे ही अ और आ। अभी आकलन आकलन में क्या क्या पूछा जाता है संजाल पूर्ण कीजिए संजाल यानी क्या आपको आकृति दी होती है।, वो दो अंक के लिए भी हो सकती है एक अंक के लिए भी हो सकती है एक अंक के लिए हो तो आधे आधे अंक का वो होता है और दो अंक के लिए हो तो चार पूछे जाते हैं ये ध्यान में रखो और संजाल हमेशा पेन से ही बनाना है ये ध्यान में रखो आपके कृति पत्रिका में पेन के अलावा कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना है जो कुछ चित्र बनाना है वो पेन से बनाना है और आप कहेंगे कि इसमें पट्टी यानी रूलर का कैसे इस्तेमाल करें तो आपके जो लाइन्स है उस लाइन के अनुसार आप उसे दौर कर सकते हैं तो संजाल अच्छी तरह से बना सकते हैं आकृति भी बना सकते हैं तो आपको मायने नहीं रखता कि मेरी टेढ़ी मेढ़ी आ गई लेकिन आपने संजाल सामने प्रस्तुत किया है और एक ध्यान में रखो कृति पत्रिका लिखते समय आप सूचना बहुत लिखते हो सूचना लिखनी है तो आपको उत्तर लिखना है सूचना मायने नहीं रखती लेकिन आपका कौन सा प्रश्न चल रहा है कौन सी कृति चल रही है कृति क्रमांक एक अ ऐसे चल रहा है तो वो लिखना जरूरी है और उसका जो आपको कृति जो की है वो हल करनी है यानी आपको सूचना नहीं लिखनी है, लेकिन सूचना नहीं लिखनी है इसका मतलब ऐसे नहीं है लेकिन सूचना पढ़नी है जो कुछ आपको सूचना में दिया है वो अच्छी तरह से पढ़ना है आप क्या करते हैं सूचना अच्छी तरह से पढ़ते नहीं है और आधे जवाब लिखते जवाब तो आपको पूर्ण तरीके से आता है लेकिन जवाब आप आधे लिखते हैं पूर्ण वाक्य लिखने के लिए कहा होता है वहां आधा आपने वाक्य लिखा तो आपको अंक भी आधा मिलेगा यानी आप यानी आप ध्यान न देने के कारण आपके अंक गवाते हो तो ये ध्यान में रखो सूचना पढ़नी है लेकिन लिखनी नहीं है <coughs> संजाल पूर्ण कीजिए जैसे मैंने कहा आकृति आपको बनानी है आकृति पूर्ण कीजिए वो भी आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करते समय आपको क्या करना है आपको वाक्य लिखना है और जहां पर आपको उत्तर लिखना है वो उत्तर लिखने के बाद आपको अधोरेखांकित करना है अधोरेखांकित करो या उसे बक्सा कर दो दोनों में से एक चल सकता है सिर्फ जवाब लिखने से आपको अंक नहीं मिलेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति करते समय आपको वाक्य लिखना जरूरी है और वह सबसे एक ध्यान में रखो कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करते समय आपके सामने वाक्य दिया है वाक्य दिया है इसका मतलब वो जैसे है है वैसे लिखना आवश्यक है। ये ध्यान में रखो कि आपने वाक्य सामने लिखा होने के बावजूद भी आपने मात्राओं की गलती कर दी तो वहां आधा अंक जा सकता है क्योंकि आपके सामने कृति पत्रिका है और कृति पत्रिका होने के बावजूद भी आपने जल्दी जल्दी में गलत लिख दिया तो आधा अंक जा सकता है यानी हम जल्दी जल्दी में कैसे अंक गवाते हैं ये भी ध्यान रखना चाहिए इसलिए वो न हो गलती इसके और ध्यान रखना चाहिए रिक्त स्थानों की पूर्ति आ सकती है या सही विकल्प सही विकल्प यहाँ पर आपको विकल्प दिए जाएंगे तो आपको उत्तर लिखते समय विकल्प नहीं लिखना है तो वाक्य लिखना है और विकल्प लिखना है दोनों लिखने हैं और जो विकल्प है उसे अधोरेखांकित करना है जोड़िया मिलाइए आपकी गंदी आदत है जोड़िया मिलाइए अ और ब तो अ के सामने अ तो लिखते हैं बराबर ब के सामने उसका उत्तर आना चाहिए उसके बदले आप जैसे है वैसे लिखते हैं और यहां से वहां लकीरें खींचते हैं तो वैसे नहीं करना है तो अ बराबर लिखना है और ब जो है अ के सामने जो एक है एक का जो उत्तर है वो ब के यहाँ लिखना है ये ध्यान में रखो तो वहां लकीरें खिंचने नहीं है जोड़िया जो मिलाइए इसके अंतर्गत उत्तर दीजिए आपको पूछा जाता है तो आधा उत्तर अपेक्षित नहीं है यानी क्योंकि कारण पूछिए यानी कारण बता, बताए कारण बताइए उत्तर दीजिए उसमें आपका उत्तर पूर्ण वाक्य में होना आवश्यक है तो ये उत्तर दीजिए कारण लिखिए यानी दोनों सवाल आते हैं तब आपको देखना है कारण लिखे में आपको वाक्य भी लिखना होगा और जो आपने जवाब लिखा है वो लिखकर आपको अधोरेखित करना है इस तरह से आकलन में, आकलन एक और आकलन में और दो आकलन की कृतियां आपके पठित विभाग में होती है तो वहां पर इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं यानी कृतियां पूछी जाती है दूसरा है शब्द संपदा अभी शब्द संपदा यानी आप पांचवी से लेकर दसवीं तक आप पढ़ते आए हो जब तक हिंदी का परिचय हुआ है हिंदी भाषा का परिचय हुआ है तब से लेकर आज तक आप शब्द संपदा अच्छी तरह से आपको समझ में आती है लेकिन आपको यह शब्द संपदा ऐसे सिर्फ बताया तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या होती है शब्द संपदा ऐसे बोलेंगे लेकिन शब्द संपदा के अंतर्गत क्या क्या आता है ये आपको पता चलेगा तो आपको समझ में आते है। ये तो मैं पढ़ चुका हूँ ऐसे आपको लगता है तो ये शब्द संपदा दो अंक की होती है तो ये दो अंक कैसे हमें प्राप्त करने हैं तो उसमें विरोधी शब्द आते हैं विरोधी उसके बदले विलोम शब्द भी लिखते हैं यानी विलोम शब्द का अर्थ ही विरोधी है तो आप जब पाठ पढ़ोगे पाठ पढ़ते पढ़ते आपको एक ध्यान में रखना चाहिए आपके हाथ में पेंसिल होनी चाहिए पाठ पढ़ते समय कृति पत्रिका लिखते समय नहीं पाठ पढ़ते समय पेंसिल होनी चाहिए जो कुछ पढ़ रहे हैं जो आपको लग रहा है इस शब्द का विरोधी शब्द ये है तो शब्द के नीचे अंडरलाइन करो और वहां जो आप गुणाकार की चिन्ह देते हैं वैसे यानी वो विरोधी शब्द है वो आप ध्यान में वहां से रखो या वहां पर शब्द लिखो विरोधी शब्द आपका कौन सा है वो वहां पर लिखो यानी धीरे धीरे आपके कापी पर ही यानी आपके पुस्तक पर ही आपकी यानी उत्तर पत्रिका तैयार हो जाएगी विरोधी शब्द यहाँ पर इस परिच्छेद में ये है समानार्थी शब्द पर्यायी शब्द समानार्थी यानी उस शब्द के अंतर्गत जैसे नेत्र है नेत्र के लिए शब्द क्या है नयन है आंख है यानी वैसे समानार्थी शब्द एक ही अर्थ के शब्द उसे समान समान यानी क्या सारखे यानी समानार्थी शब्द पर्यायी शब्द उस शब्द के लिए दूसरा पर्यायी शब्द क्या है वो हम कह सकते हैं लिंग बदलो और पहचानो आपको सूचना अच्छी तरह से पढ़नी है आपको क्या कहा है लिंग बदलो कहा है या पहचानो कहा है एक अंक के लिए आता है तो लिंग बदलो तो इसमें हिंदी में सिर्फ दो ही लिंग है श्रीलिंग और पुल्लिंग तो वो शब्द दिया होगा तो उसका लिंग बदलना है और पहचानो का है तो श्रीलिंग है या पुलिंग है वो पहचानना है वचन बदलो वचन बदलो इसके अंतर्गत क्या आता है कि एक वचन है या बहुवचन अनेक वचन नहीं कहते मराठी में कहते हैं अनेक वचन लेकिन यहाँ पर एक वचन और बहुवचन तो वो बदलो कहा है या पहचानो का है मानक वर्तनी मानक वर्तनी क्या है कि आपको अशुद्ध रूप से दिया गया होता है और वो शुद्ध रूप में आपको लिखना है शब्दयुग्म शब्द युग्म क्या है कि आपके यानी जो दो शब्दों के बीच में योजक का चिन्ह लगता है यानी डैश वो शब्द युग्म है जिसे उछलती कुत्ती मिलने जुलने पीछे पीछे लेन देन इन शब्दों के अंतर्गत क्या है छोटी सी लकीर है योजक चिन्ह है वैसे ही आपको मैंने बताया लिंग के बारे में तो लिंग है गाय तो गाय का लिंग क्या यानी गाय के लिए लिंग परिवर्तन करना है तो बैल है बेटा बेटी समानार्थी शब्द में उदाहरण क्या है आश्चर्य है तो अचरज आएगा प्रथा है तो रिवाज आ सकता है वचन वचन बदलो तो बेटा का क्या होगा बेटे तो ऐसे हो सकता है बाद में गाड़ी गली गलिया, ऐसे हो सकता है। विलों में क्या हो सकता सकता है, सही है, में क्या सही आपको दिया है तो विलोम कीजिए ऐसे होगा तो उसका मतलब क्या होगा गलत गलत है उसके बाद, सही के बाद आपको चिन्ह लगाना है कि सही गलत प्रत्यक्ष परोक्ष बेचना खरीदना ऐसे विलोम शब्द है और मानक वर्तनी के उदाहरण के तौर पर हम बताया जाए तो जैसे मुस्किल ऐसे शब्द होगा मुस्किल गलतिल तो हम कैसे लिखेंगे मुश्किल यानी ये मुस्किल के बदले हमने मुश्किल किया है बाद में परेशान परेशान हो तो परेशान है यानी इस तरह से मानक वर्तनी में आपको अशुद्ध दिया जाता है और उसे शुद्ध रूप में परिवर्तन करना होता है उसके अंतर्गत वैसे उपसर्ग है प्रत्यय है क्रुदंत है तद्धित है अभी उपसर्ग यानी क्या कि शब्द के आगे जो लगता है उसे उपसर्ग कहते जैसे आत्मा आत्मा के आगे पर शब्द लिखने के बाद परमात्मा होता है यानी उपसर्ग लिखा परिवार परिवार के आगे स लिखा तो सपरिवार हो गया मान उसके आगे अभी लिखा अभिमान हो गया उपसर्ग यानी आगे आगे जो शब्द हम लिखते हैं वो उपसर्ग कहलाता है प्रत्यय क्या होता है प्रत्यय यानी पीछे लगने वाला ये, ध्यान में प, प, पीछे, ये ऐसे ध्यान में रखना है प्रत्यय यानी शब्द के पीछे जो लगता है जैसे कायर ऐसे शब्द हो तो कायर का कायरता हो गया योग्य योग्यता हो गया अर्थ से आर्थिक होता है इस तरह से प्रत्यय हम कर सकते हैं यहाँ पर मैंने दिया नहीं है लेकिन शब्द समूह के लिए एक शब्द ये भी पूछा जाता है अभी शब्द समूह के लिए एक शब्द वैसे क्या तो वह स्थान जहाँ अनेक प्रकार के पशु पक्षी रखे जाते हैं ऐसे दिया होगा तो उसके लिए एक शब्द क्या आएगा चिड़ियाघर चिड़ियाघर जहाँ होता है जैसे हमें जू कहते हैं जहाँ पशु पक्षी रखे जाते हैं वो जू कहलाते हैं लेकिन यहां हिंदी में हमें चिड़ियाघर इसी किसी का माइक ऑन है वो प्लीज आप माइक म्यूट करें मुफ्त में भोजन मिलता है तो वो कौन सी जगह है तो भंडारा है लंगर भी कह सकते हैं दूसरों के उपकार या भलाई का काम उसे क्या कह सकते हैं परोपकार कह सकते हैं ऐसी बात जहां केवल अपना हित हो वैसे तो ये अपना फायदा जो है ये ऐसे जो है यानी शब्द समूह के लिए एक शब्द इसके लिए आपको अनेक शब्द दिए जाते अनेक शब्द यानी ऐसे अनेक बोले जाते हैं और उसके लिए एक शब्द आपको देना है जहां पर पशु पक्षी रखे जाते हैं तो चिड़ियाघर ऐसे तो इस तरह से हमें लिखना है क्रुदंत क्रुदंत यानी क्या कि आपके क्रिया को जो प्रत्यय लगता है क्रिया को ही लगता है जैसे समझना ये क्रिया है तो समझदार ये क्रुदंत हो गया वैसे खिंचाओ तो मिलावट ये क्रुदंत हो गया तद्धित शब्द है तो तद्धित जो शब्द है उसमें साहित्य शब्द दिया हुआ है तो साहित्यिक एक प्रत्यय लग गया तो ये तद्धित शब्द होते हैं इस तरह से आपको आपके पाठ में जो आया है उसके अनुसार बाहर का कुछ भी नहीं पूछते हैं पाठ के अंतर्गत जो शब्द संपदा है पढ़ते समय जो नजर आती है उसी शब्द संपदा को पूछते हैं मुझे पूछना है कुछ तद्दित पूछना है तत्सम पूछना है क्रुदंत पूछना है अगर वो पाठ में नहीं है तो वो नहीं पूछी जाएगी इसलिए पढ़ते समय ध्यान में रखो कि शब्द संपदा विरोधी शब्द कौन सा है समानार्थी शब्द कौन सा है लिंग कौन सा है वचन कौन सा है शब्द युग्म कौन सा है यह हमें मार्किंग करते जाना चाहिए इसलिए हमें परीक्षा के समय वो सिर्फ पढ़ाई करते समय यानी हमने पाठ पढ़ते समय शब्द संपदा भी आपको ध्यान में आती है आकलन के लिए जो कुछ सवाल पूछे जाएंगे वो भी हमें सामने आ जाता है कि ये एक वाक्य में यहाँ उत्तर है इसका एक वाक्य में उत्तर है यानी हम हमारी तैयारी खुद करते हैं पहले ध्यान में रखो कि आपकी किताब जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है किताब के बाहर का कुछ भी नहीं आता है ये सबसे पहले आप ध्यान में रखो भले वो पहली से लेकर दसवीं तक कौन सी भी किताब हो आप जिस कक्षा में हो उस कक्षा की किताब आपको सबसे मायने रखती है किताब की पढ़ाई करना मैंने गाइड पढ़ा वर्कशीट जो है वो पढ़ाई करो आपको मार्गदर्शक है लेकिन ध्यान में रखो कि आपका सबसे महत्वपूर्ण क्या है आपकी किताब है और किताब बार बार पढ़नी चाहिए बार बार पढ़ने से क्या होता है हमारे आंखों को आदत जाती है अच्छा। आदत क्या होती है कि वो शब्द मात्रा कैसी है पहली मात्रा है दूसरी मात्रा है वो ध्यान में आती बार बार देखने से अब हम पाठशाला के और जाते हैं पाठशाला के और जाने के लिए हमें किसी से रास्ता पूछना नहीं पड़ता है कि ये गली कहां से जाती है ये पाठशाला कहाँ है हम पूछते हैं क्या कि किसी को रोज रोज की आदत होती है हम हमारे हम बातें करते जाते हैं हमारे मित्रों के साथ लेकिन पाठशाला जाते हमारे पैर बराबर उस गली की ओर मोड़ लेते हैं उस गली की ओर जाते हैं जहां जहां जैसे जैसे रास्ता पाठशाला की ओर जाता है अपने आप मुड़ जाते हैं क्योंकि हमें आदत हो गई है वैसे ही आदत हमें पुस्तक पढ़ने की होनी चाहिए पुस्तक पढ़ने के बाद जो कृति पत्रिका आपके सामने आएगी अरे ये तो मैंने पढ़ लिया है ऐसे होगा यानी ये जो है ये आपको अपने आप पर यानी आपको क्या होगा कि पूर्ण रीति से आपको खुद को यानी सबसे आपको अपने आप पर भरोसा होगा कि ये मैं कर सकता हूँ ये मुझे आता है और ध्यान में रखो जब आप सुबह उठते हैं सुबह उठने के बाद मुझे सब कुछ आता है मैं सब कुछ पढ़ूंगा सब पढ़ाई करूंगा आज और परीक्षा के लिए तैयारी करूंगा मैंने जो तालिका बनाई है टाइम टेबल बनाया है उसके अनुसार जाऊंगा और मुझे अच्छे अंक प्राप्त करने हैं। ये ध्यान में रखो हम जैसे हमारे मन को सूचना देंगे वैसे हमारा मन क्रिया करता है शार, जैसे शरीर क्रिया करता है मन जैसे करता है कि नहीं मुझे चीटी ने काट लिया जल्दी से मैंने पैर को ऐसे कर दिया या खुजली आ गई तो मेरा हाथ वहां पर जाता है ये हमारी मानसिक क्रिया है। मानसिक क्रिया क्रिया है है यानी क्या बुद्धि को समझ में आता दिमाग को समझ में आता है चीटी ने काट लिया है वैसे हमें पढ़ाई करने के बाद इस वाक्य का हमें उत्तर मालूम है इस प्रश्न का उत्तर मालूम है यह सब आता है क्योंकि हमने पढ़ाई की है और बार बार पढ़ने से हमें वो आदत हो जाती है और कोई भी सवाल पूछने पर हम गड़बड़ा नहीं जाते हैं हम आसानी से वो कर सकते हैं इसलिए हमें पहले ठान लेना है कि मुझे अच्छे अंक प्राप्त करने हैं अच्छे अंक प्राप्त करने पर हमने अगर वो ठान लिया है तो उस तरह से हमारा मन भी जो है वो मन तैयारी करता है ये ध्यान में रखो तिस चौथा जो है स्वमत स्व यानी में, में मेरा खुद का तो स्वमत जो है वो दो अंक का होता है इसके अंतर्गत दो अंक आपको आर आसानी से मिल सकते हैं कैसे क्योंकि वो आपका मत है किसी दूसरे का मत नहीं है। स्व मत यानी आपने आपको ये अच्छा लगा या नहीं लगा अच्छा लगा तो भी आपको क्यों अच्छा लगा इसका कारण देना है नहीं अच्छा लगा क्यों नहीं अच्छा लगा इसका भी कारण देना है तो स्वमत आप दो परिच्छेद में लिखे पहला जो है जो पूछा गया उस पर आधारित और आपका मत वहां पर प्रदर्शित कीजिए और अंत में उसका समा, सम, समापन कीजिए एंडिंग कीजिए तो इस तरह से कृति पत्रिका के अंतर्गत गद्य के अंतर्गत आठ अंक में दो आकलन के सवाल होते हैं चार अंक के लिए उसमें आप अच्छी तरह से क्योंकि आपके सामने परिच्छेद होता है परिच्छेद में से ही आपको उत्तर यानी ढूंढना है और जो उत्तर आपने ढूंढा है उसका मात्रा बराबर देखिए उसकी मात्रा रस्व है या दीर्घ है वो देखनी आवश्यक है क्योंकि लिखते समय गलत ना हो तो आकलन के चार अंक है वो आसानी से चार के चार अंक आपको मिलते हैं शब्द संपदा वो भी आपके परिच्छेद में है परिच्छेद में होने पर आपको ढूंढना है या उसके अंतर्गत वहां पर जो शब्द आपको पूछा गया विरोधी हो समानार्थी हो लिंग हो ये आपको आता ही है तो दो अंक वहां वहाँ मिल सकते हैं यानी आठ में से छह अंक तो आपको आसानी से मिलते हैं और स्वमत दो अंक का है वहां एक, एक या डेढ़ अंक तो आराम से मिलता है और ये लिखते समय भी आपको मात्रा बराबर देखनी है आपके वाक्य अच्छे होने चाहिए प्रस्तुत करना आपको आना चाहिए कि हमारे वाक्य हम हिंदी सीखते हैं बंबई में रहते हैं इसका मतलब ये नहीं है बंबई यानी बम्बैया हिंदी नहीं बात करने मेरे को तेरे को तेरे को क्या करना है ये जो हम पढ़ते हैं यानी सुनते हैं ये बंबैया हिंदी है हमें अच्छी हिंदी आनी चाहिए इसलिए किताब पढ़नी है समाचार पत्र पढ़ना है जो समाचार आप टेलीविजन पर आते हैं वो सुनना चाहिए देखना चाहिए बार बार पढ़ने से सुनने से कानों को भी आदत हो जाती है और दिमाग में हमारे शब्द संपदा बढ़ जाती है तो उससे हम छोटे छोटे वाक्य स्वमत में लिख सकते हैं और स्वमत के गुण भी हम मिला सकते हैं यानी ये अंक जो है आठ अंक आठ अंक में से सात अंक तो हमें मिलते ही है वैसे दो पठित परिच्छेद है तो सात सात करके चौदह हो गए अपठित का आकलन के दो है यानी वहां पर भी दो अंक मिल गए चौदह और दो कितने हो गए सोलह हो गए यहाँ के आकलन की कृति है वहां पर भी मुझे डेढ़ अंक मिल गया तो ये सत्रह अठारह तक किसी भी हालत में आप जा सकते हो यानी अठारह अंक मिलता ही है ये ध्यान में रखो मुझे कृति पत्रिका का जो गद्य है बीस में से अठारह मिलते ही है इसके लिए मुझे मेहनत क्या करनी है पाठ पढ़ना है पाठ पढ़ो पाठ पढ़ा नहीं है फिर भी आपके सामने परिच्छेद है परिच्छेद है उसे अच्छी तरह से पढ़ो और वो अच्छी तरह से करो ये बीस अंक है उसके लिए आपको आधा घंटा काफी है कि दो ये जो पठित है और एक अपठित आधा से मिनट के लिए अच्छी तरह से आप कृति पत्रिका में हल कर सकते हो ये तीस मिनट क्यों दिए आपने बार बार पढ़ा है तो इतना आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा क्योंकि वो आपको पता है इसका उत्तर ये है इसका उत्तर ये है यानी आसानी से आपको समझ में आएगा अभी हम देखेंगे कि कृति पत्रिका जो है उसका एक हमने एक परिच्छेद लिया है तो एक परिच्छेद जो है मैं आपके सामने पढ़ती हूँ और उस पर आधारित कैसी कृतियां पूछी जाती है मैं बताती हूँ जब मैं दस वर्ष का था तभी मैंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए यानी अतीत के पत्र में से ये लिया गया है देश सेवा करने का व्रत लिया था उसके बाद मैं स्कूल में दाखिल हुआ उस समय मुझे भागवत गीता के अध्ययन का शौक लगा पर मेरे पिताजी ने दूसरी भाषा के तौर पर फ्रेंच लेने की आज्ञा दी तो भी गीता पर का मेरा प्रेम कम नहीं हुआ था और तभी से मैंने घर पर ही खुद बखुद संस्कृत का अभ्यास शुरू कर दिया था मैं आपकी आज्ञा लेकर आश्रम में दाखिल हुआ पर उसी समय वेदांत का अभ्यास करने का अच्छा मौका हाथ लगा वाई में नारायण शास्त्री मराठे नामक एक आजन्म ब्रह्मचारी विद्वान विद्यार्थियों को वेदांत तथा दूसरे शास्त्र सिखाने का काम करते हैं उनके पास उपनिषदों का अध्ययन करने का लोभ मुझे हुआ अभी यहाँ पर लोभ है प्रिंटिंग मिस्टेक है तो वहां पर प्रिंटिंग मिस्टेक होगी और आपने लोभ के बारे में हो गया तो लोभ तो लाभ हो सकता है तो वहां पर गलती है तो आपकी गलती नहीं होगी यह ध्यान में रखो इस लोभ के कारण वाई में ही ज्यादा समय रहने रह गया इतने समय में मैंने क्या क्या किया यह लिखता हूं ऐसे आपको परिच्छेद परिच्छेद पर आधारित आपको कृतिया पूछिए गद्यांश को पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतिया कीजिए ऐसे आपको सूचना दिए ये सूचना लिखने की जरूरत नहीं है आपको लिखना है एक कृति एक और आकृति पूर्ण कीजिए ये आकृति पूर्ण कीजिए ये भी नहीं लिखना है एक और अ ऐसे ही लिखना है अभी यहाँ पर आपको सवाल क्या दिया है तो ये सवाल जो है एक मिनट आपको ये सवाल क्या दिया है यहाँ पर कि गांधी जी ने व्रत लिया अभी ये व्रत लिया व्रत कौन सा लिया देश सेवा देश सेवा का व्रत लिया हाई स्कूल में दाखिल होते समय यानी आपको देश सेवा उसके लिए आधा अंक है ये ध्यान में रखो तो हाई स्कूल में दाखिल होते समय विनोबा जी को शौक लगा ये शौक शब्द जो है दो मात्रा है शौक यानी छंद मराठी में कहते हैं यानी कौन सी आपको आपकी पसंद क्या है वो शौक है एक ही मात्रा होगी तो दुख होगा शौक लगा यानी शौक यानी दुख होगा एक मात्रा होगा तो, तो लिखते समय भी गलतियां मत कीजिए तो हाईस्कूल में दाखिल होते समय विनोबाजी को शौक लगा कौन सा शौक लगा तो भगवत गीता पढ़ने का तो भगवत गीता इतना ही शब्द लिखा तो भी काफी है आधा अंक यहाँ पर मिल जाएगा आ है उत्तर लिखिए ये एक अंक का हो गया देश सेवा के लिए आधा अंक गीता के लिए आधा अंक अभी यहां पर आ दिया है तो उत्तर लिखिए उत्तर लिखिए में विनोबाजी के पिता ने यह भाषा पढ़ने की आज्ञा दी कौन सी भाषा पढ़ने की आज यहाँ पर सवाल नहीं पूछा देखो उत्तर लिखिए अभी यहाँ पर अगर प्रश्न पत्रिका होती तो जी के पिता ने कौन सी की दी ऐसे सवाल पूछा होता। लेकिन ये पत्रिका है इसलिए आपको यहाँ पर ऐसे पूछा जाता है कि विनोबा जी के पिता ने यह हाँ भाषा पढ़ने की आज्ञा दी यहाँ पर ही यह, 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 यह शब्द इस्तेमाल किया है उसमें से हमें यहाँ पर कौन सी भाषा है इसका ज्ञान ज्ञान होता है तो वहां पर क्या उत्तर लिखना है फ्रेंच तो यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिखा है लेकिन आपको <coughs> अगर आपने लिखा विनोबाजी के पिता ने फ्रेंच भाषा पढ़ने की आज्ञा दी ऐसे भी लिख सकते हैं पहले आप वहां पर अंक देखिए एक अंक के लिए दो पूछे गए तो आपने सिर्फ शब्द लिखा तो भी चल सकता है तो फ्रेंच शब्द लिखा आधा अंक के लिए तो भी चल सकता है और यहाँ पर दो अंक दिए होते तो आपको पूर्ण वाक्य में लिखना आवश्यक है पूर्ण वाक्य के लिए एक एक अंक का वो होता इस लोभ के कारण विनोबा जी हवाई में इन्हें अधिक दिन रुक गए अभी हवाई नहीं है यहाँ पर वाई है तो यहाँ पर शब्द की गलती हो गई है तो आपको वहां नहीं लिखना है आपको पता है कि वो परिच्छेद में वाई दिया गया है तो यहाँ पर हवाई हो गया है तो ऐसे भी प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है तो ये ध्यान में रखना है इस लोभ के कारण जी वाई में अधिक दिन रुक गए अभी कौन सा लोप था तो उपनिषद अध्ययन करने का तो ये आधे अंक के लिए हो गया तो आधा आधा यहाँ पर अंक मिल गया क्योंकि मुझे एक अंक के लिए दो पूछे हैं तो मैं सिर्फ शब्द लिख सकता हूँ उत्तर के जगह पर लेकिन अगर दो अंक के लिए उत्तर लिखे होता तो मुझे पूर्ण वाक्य में देना आवश्यक होता अभी उसमें ही कृति दूसरी आ गये जोड़िया बनाइए अभी जोड़िया बनाइए यहाँ पर मैंने उत्तर डायरेक्ट लिख दिए है देश सेवा यानी व्रत है वेदांत है तो अभ्यास है उपनिषद है अध्ययन है आजन्म है ब्रह्मचारी है मैंने उत्तर यहाँ पर लिख दिए हैं। तो आपको उल्टे पुल्टे आ सकते हैं देश सेवा ब्रह्मचारी वेदांत के यहाँ व्रत आ गया उपनिषद के यहाँ अभ्यास आ गया लेकिन मैंने आपके सामने उत्तर लिख कर बताए है तो आपके सामने परिचित भी है उस परिचित के अंतर्गत से आपको जोड़िया मिलानी होती है या जोड़िया बनानी होती है तो उसके कारण जोड़ियां बनाइए कि दो अंक आपको मिल सकते हैं तीसरी है शब्द संपदा दो विराम चिन्ह चुनकर लिखिए अभी यहाँ पर दो विराम चिन्ह यहाँ परिच्छेद में अभी हमने परिच्छेद दिखा परिच्छेद में विराम चिन्ह अभी विराम चिन्ह तो यहाँ दिख नहीं रहे यहाँ पर देखो मैंने पूर्ण विराम तो दिख रहा है हर इसमें पूर्ण विराम दिख रहा है यहाँ पर अल्प विराम दिख रहा है यानी दो आपके जो हो एक तो पूर्ण विराम हो गया जहाँ वाक्य पूर्ण होता है वो हो गया ये योजक चिन्ह भी हो सकता है और ये अल्प विराम इस तरह से दी, 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 आप में से आप में से दो ने आपको जो पूछा है वो आप विराम चिन्ह चुनकर लिख सकते हैं यानी आपने दंड दे दिया उसके पूर्ण विराम लिखा यानी आपने अल्प विराम का चिन्ह लगाया अल्प विराम लिख लिया ये दो विराम चिन्ह चुनकर लिखे ऐसे हो गया परिच्छेद में आए भाषा का नाम अभी परिच्छेद में कौन कौन सी भाषा का नाम हमें दिया गया है ये परिच्छेद जो है उसमें फ्रेंच है संस्कृत है ये दो भाषा तो हमें पता चल गई तो दो भाषा का नाम अगर लिख दिया तो भी हमें चल सकता है फ्रेंच है आपके सामने है फिर संस्कृत है तो दो भाषा का नाम लिखा यानी आपको यहाँ पर अंक मिल गया ऐसे भी आपको आ सकता है शब्द संपदा के अंतर्गत अभी यहाँ पर स्वमत लिखा है आपने पढ़े हुए पुस्तक के बारे में सात आठ पंक्तियों में लिखिए अभी यहाँ अतीत के पत्र ये पाठ है आपके परिच्छेद में पुस्तक का कोई जिक्र नहीं है लेकिन आपको स्वमत में पूछा गया है कि आपने पढ़े हुए पुस्तक के बारे में सात आठ पंक्तियों में लिखिए यानी आपने कौन सा पुस्तक पढ़ा है आपको अगर पढ़ने का शौक है तो आप अच्छी तरह से लिख सकते हो और पढ़ना आवश्यक है जानकारी लेना आवश्यक है और सबसे पुस्तक के अलावा दूसरा कोई अच्छा मित्र नहीं है यानी पुस्तक हमारा मित्र है तो ये भी वाक्य लिख सकते हैं पुस्तक के बारे में आपने पढ़ी हुई पुस्तकें वैसे तो मैंने बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी है यानी मुझे कहानी की किताब पढ़ने का बहुत अच्छा शौक है शौक दो मात्रा लेना है शौक है उसमें से मैंने कौन सी पुस्तक पढ़ी है उस पुस्तक का नाम लिखना है लेखक का नाम लिखना है उस पुस्तक में मैंने क्या पढ़ा है वैसे आप लिख सकते हो या फिर आपने आपके पाठ्य पुस्तक में ये जो आपके सामने है, उस के लेखक उन लेखक की कौन कौन सी कृतियां है पुस्तकें लिखी है ये आपको यानी प्रस्तावना में दी होती है तो वो पुस्तक के नाम भी आप लिख सकते हैं तो उस पुस्तक में से आप लिख सकते कि ये अंश लिया है तो वैसे और गांधी जी और विनोबा जी के बारे में हमें बताया है और मानवीय मूल्यों के बारे में भी बताया है वैसे हमारे सामने जो है उसमें से हम हम लिख सकते हैं इस तरह से सात आठ पंक्तियों में हम लिख सकते हैं कि पुस्तक पढ़ना मुझे अच्छा लगता है मुझे पुस्तक पढ़ने का शौक है ये दो तीन वाक्य हम स्वरचित हम ऐसे लिख सकते हैं इस तरह से स्वमत अपना बनाइए आपके सामने मैंने गद्य के बारे में एक परिच्छेद लिया और किस तरह से उत्तर लिखने हैं ये आपको मैंने बताया आपको अच्छी तरह से समझा होगा मैंने बार बार कहती हूँ प्रश्न कृति का क्रमांक जो है वो लिखना है ओ है या आ है आपके सामने जब उत्तर पत्रिका दी जाती है मार्जिन होता है और मार्जिन जहां से मार्जिन के अंदर के साथ नहीं तो जहां से हम लिखते हैं वहां पर एक सेंटीमीटर का मार्जिन छोटा मार्जिन बनाइए और उस छोटे मार्जिन में अभी बड़े मार्जिन में लिख दिया प्रति क्रमांक एक छोटे मार्जिन में अ आ, आ, जो है वो लिखने हैं ये ध्यान में रखो अंदर की तरफ नहीं करना है जहां हम लिखते हैं लिखने की जगह है वहां पर एक सेंटीमीटर का मार्जिन कीजिए मार्जिन के लिए हिंदी में हाशिया कहते हैं वो भी ध्यान में रखो कान पर ये शब्द जाना चाहिए हाशिया क्या है तो ये मार्जिन है समास मराठी में क्या कहते हैं समास एक सेंटीमीटर का आपको समास वहां पर बनाना है वो किस लिए एक दो अ नहीं है आपको सिर्फ सूचना अच्छी तरह से पढ़नी है और कृतिया हल करनी है अंक देखने हैं एक अंक है उसके लिए दो दिया है तो आधे आधे अंक का हुआ तो शब्द में उत्तर लिख सकते हैं दो अंक दिए हैं और आपको दो ही कृतियां पूछी है तो पूर्ण वाक्य में होना जरूरी है लिखते समय परिच्छेद में जो शब्द आए हैं वो बराबर होने चाहिए उसकी मात्रा में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए मात्रा में गड़बड़ी हो गई तो आपके अंक जाने की ने, ने, मैं ऐसे डरा नहीं रही हूं तो अंक जा सकते हैं तो ध्यान में रखिए तो आपके सामने परिच्छेद है परिच्छेद अच्छी तरह से पढ़िए और बार बार किताब पढ़िए ताकि आपके अच्छे गुण हो अस्सी गुण का आपका यानी अस्सी अंक का आपका कृति पत्रिका होती है बीस अंक का आपके मौखिक होते हैं तो बीस अंक मौखिक तो आपके पाठशाला में ली जाएंगी लेकिन अस्सी अंक हमें लिखने की आदत होनी चाहिए और जो आप कृतियां, जो जो आपको कृतियां मिलेगी वर्कशीट मिलेगी वो लिखने की कोशिश कीजिए पाठ के नीचे जो स्वाध्याय है उसे छुड़ाने की कोशिश कीजिए छुड़ाने की कोशिश कीजिए यानी लिख कर देखिए लिख कर मुझे बराबर आता है या नहीं मैंने शब्द बराबर लिखा नहीं अपने आप को जांचिए दूसरे से जांचने से अपने आप को जांचने पर अपनी गलती आपको समझ में आती है कि मैंने यहाँ पर गलती की है वो गलती मेरी दोबारा न हो इसके लिए प्रयत्न होना चाहिए और बार बार प्रयत्न करने पर भी आपको सफलता आराम से मिलेगी आसानी से मिलेगी ये विश्वास है मुझे और अपने आप पर भरोसा रखिए और आत्मनिर्भर हो जाइए ये ध्यान में रखो कि आप अच्छी तरह से कृति पत्रिका हल कर सकते हो अच्छी तरह से भले ऑनलाइन पढ़ाई आपने की लेकिन आपके आपके सामने किताब है, आपके हाथ में किताब है, है, हाथ हाथ में में आपका मराठी कहते कहावत है अपला हाथ जगन्नाथ वैसे ही आप जो कुछ लिखेंगे आपको जो कुछ समझ में आया और अध्यापक वर्ग तो आपके सामने है आप उठाइए फोन अपने टीचर को लगाइए फोन कभी भी कुछ भी आपको शंका हो तो आप अपने यानी जो कुछ आपको शंका है वो उपस्थित कीजिए तो ही आप अच्छी तरह से कर सकते हैं आपको है कैसे पूछूं दूसरे क्या सोचेंगे ये नहीं सोचना है लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा है तो समझ लेना आवश्यक है यानी कैसे पूछूं डर भी नहीं लगना चाहिए कुछ ऐसे अटपटा भी नहीं लगना चाहिए कि मैं कैसे पूछूं इतना भी नहीं आता है तूने पढ़ा नहीं है कोई भी ऐसे नहीं कहेगा जो नहीं समझ में आता है तो वो पूछिए पूछने की आदत डालिए कि मुझे नहीं समझ में आया और आपका जो स्वर है वो भी अच्छा होना चाहिए ये मुझे बताओ ये मत करो वो मत करो यानी आप मित्र के साथ भी आप बात कर सकते हैं तो बात करने का ढंग भी आपका अच्छा होना चाहिए कि मुंह में हमेशा शक्कर होनी चाहिए मीठे बोल होने चाहिए यानी दूसरे लोग हमें समझ सकते हैं ये ध्यान में रखो यानी आपको गद्यांश जो दिया है एक गद्यांश आपको इस हमारे अतीत के पत्र में से ही दिया है मैंने आपके सामने छुड़ा कर दिखाया है मुझे ऐसे लगता है वैसे ही आपको अगर यानी इनाम का दिया जाए तो आप अच्छी तरह से कृति कर सकते हैं अलग अलग छोटे छोटे परिचय लीजिए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए आराम से आपको आठ अंक यानी आठ अंक में से सात अंक मिल सकते हैं और आठ के आठ अंक भी मिल सकते हैं पात्राओं की और ध्यान दें और स्वमत में आपकी वाक्य रचना बराबर होनी चाहिए अभी हम देखेंगे तो पद्य विभाग पद्य विभाग के हम आ गए कि आठ आठ अंक का होता है और अपठित जो है वो अपठित चार अंक का होता है उसमें आपको जो आपने कृति पढ़ी नहीं है पुस्तक में नहीं है उसके बारे में पूछा जाता है वहां पर भी स्वमत है और आकलन है अब ये पद्य विभाग की ओर बढ़ेंगे मैंने बताया कि पद्य विभाग में आपको दूसरे इकाई में सिर्फ तीन कविता है तीन कविता बारह अंक के लिए है बारह अंक के लिए है तो दो कविताएं पूछी जाएंगी इस दो कविता के अंतर्गत भी एक कविता मध्यकालीन है और दो आधुनिक है और ये ध्यान में रखो कि एक मध्यकालीन कविता आती है और एक आधुनिक कविता आती है तो मध्यकालीन कविता में कह कविराय ये जो है ये कविता आपकी है जो गिरिधर जी ने लिखी है ये आपने अच्छी तरह से पढ़ी है बार बार आपके सामने लेसन हो गए हैं आपको समझ में नहीं आती है तो वो यूट्यूब चैनल पर जाइए और आप कही कवि राय के अच्छी तरह से आप पढ़ाई कर सकते हैं तो मैंने कहा पद्य विभाग के अंतर्गत दो कविता पूछी जाएंगी छे छे अंक के लिए उसमें से एक कविता मध्यकालीन कविता होगी और एक आधुनिक होगी तो आपके सामने मध्यकालीन सिर्फ एक ही है कह कवि राय और आधुनिक दो है उड़ान है और आ, अंतिम जो है वो है उसमें से दो में से कोई आ सकती है तो कह कविराय कवि गिरधर है कवि गिरधर जी की कुंडलिया है यहाँ पर कुंडलियों में व्यावहारिकता के दर्शन होते हैं यहाँ गिरधर जी की छह कुंडलिया दी गई है इस ने कविता के अंतर्गत कुंडलिया कहते हैं हम उसमें छह कुंडलियां दी गई है प्रथम कुंडली में गुरु का महत्व गुरु कैसे होना चाहिए गुरु किसे कहते हैं दूसरी कुंडली में लोगों की स्वार्थपरता का वर्णन यानी लोग कैसे स्वार्थी होते हैं उसका वर्णन किया है तीसरी कुंडली में ऐसे लोगों के विषय में बताया गया है जो ऋण लेकर लौट लो, लौटाना नहीं जानते यानी ऋण तो लेते हैं ऋण लेते समय कि ऐसे आपके सामने प्रस्तुत होते हैं कि तुम मुझे मदद करो मैं तुम्हें जल्दी दे दूंगा लेकिन जब ऋण लेने के बाद चुकाने का मौका आता है तो वो आपके सामने भी नहीं आते हैं ये बताया है चौथी कुंडली में किसी भी कार्य को करने से पहले यदि उस पर अच्छी तरह से विचार न किया जाए तो उसके क्या परिणाम होते हैं बताया है। यानी चौथी कुंडली के माध्यम से बताया है कि आपने जो कार्य करने लिया है तो सोचा ही नहीं है विचार ही नहीं किया है कि उसका परिणाम क्या होगा और जल्दी जल्दी में आप कर दिए है तो उसके परिणाम क्या? बुरे ही होंगे तो आपको भी यहां पर मैं बताना चाहती हूँ सूचना अच्छी तरह से पढ़िए सूचना अच्छी तरह से नहीं बताई गई है, नहीं आपने पढ़ी नहीं है तो आप उत्तर बराबर नहीं लिखोगे तो उसके परिणाम क्या हो गए तो कुंडली है उसमें पुरानी बातों को भुलाने का संदेश दिया है कुछ बीती बातें होती है जो हमारे मन को ठेस पहुंचाती है बार बार सोचने से हमें क्या होता है कि हमें ही वो यानी उस गतकाल में हम वापस जाते हैं और वो पुरानी बातें सोचकर हमें बुरा लगता है तो वो भुलाने के लिए इन्हें संदेश दिया यहाँ भुलाने हो गया तो भुलाने का संदेश दिया है तथा अंतिम जो कुंडली है उसमें ईश्वर के स्मरण तथा परमार्थ पर बल दिया गया कोई भी काम हो हम भगवान की इन्हें हम जो कर, काम करने जाते हैं कोई भी कार्य हो गणेश पूजन से किया जाता है यह भगवान को हम नमस्कार तो करते हैं कम से कम यानी परीक्षा हो कुछ भी हो पहले भगवान को परीक्षा के समय हमें तो बहुत जल्दी याद आता है भगवान कठिन समय में हमें भगवान याद आता है तो वैसे ही ईश्वर पर हमें भरोसा होना चाहिए स्मरण करना चाहिए सिर्फ समय पर नहीं करना चाहिए तो रोज करना चाहिए यानी भगवान को यानी उठते समय भी हमें पृथ्वी का स्मरण करना चाहिए कि ये पृथ्वी है इसलिए हम है उस पर हम पूरे दिन 24 घंटे पैर रखकर चलते हैं तो पृथ्वी का भी हमें और पृथ्वी को अच्छी तरह से रखने के लिए पर्यावरण को भी अच्छी तरह से रखना जरूरी है ये हमारे हाथ में है तो इस तरह से ईश्वर का स्मरण करना चाहिए फिर आप कोई भी ईश्वर हो कोई भी धर्म का हो ईश्वर का स्मरण करना चाहिए एक अदृश्य रूपी शक्ति है उसका हमें हमेशा स्मरण करना चाहिए आज साइंस आगे गया है तो डॉक्टर भी ऑपरेशन तो करते हैं उनके हाथ में पेशेंट होता है ऑपरेशन तो करते हैं लेकिन फिर भी पेशेंट के रिश्तेदारों को क्या कहते हैं आप भरोसा भगवान पर रखिए इन्हें अंत में ईश्वर पर भरोसा रखना और ईश्वर का स्मरण करना और परमार्थ पर बल दिया है ये कुंडलियों के माध्यम से गिरधर जी ने हमें बताया है अलग अलग कुंडलियों में अलग अलग महत्व बताया है ये आपको साथ ध्यान में होना आवश्यक है इसलिए आपको पद्य विभाग के कौन सी भी पंक्तियां दी और उस पर जो कृतिया पूछी जाएगी तो आप अच्छी तरह से उसे कर सकते हैं दूसरी कविता है उड़ान आठवीं जो है उसके कवि है चंद्रसेन विराट प्रस्तुत गजल के माध्यम से ये गजल है गजल जो है उसके माध्यम इन्हें कौन सी विधा है ये भी आपको जैसे पद्य विभाग की पहली जो गिरिधर की है वो कुंडलिया है उड़ान जो है वो क्या है गजल है इसके माध्यम से कवि चंद्रसेन जी ने अनेक मानवीय गुणों की प्रेरणा दी है मानवीय गुण मानव के पास कौन कौन से गुण होने चाहिए और उससे प्रेरणा है विनम्रता हमेशा दूसरों के सामने विनम्र होना आवश्यक है बड़ों के सामने हो या आपके सह जो मित्र है या आपसे छोटे भी हो विनम्रता से बात करनी चाहिए आपकी बात अच्छी होनी चाहिए तो सामने वाला आपके हर काम कर देता है तो विनम्रता होनी चाहिए ऊंचे लक्ष्य होने चाहिए उच्च लक्ष्य यानी क्या कि पढ़ाई के बाद में ये, ये बनना चाहता हूँ तो हमारा लक्ष्य भी बराबर होना चाहिए जैसे यानी अगर धनुर्धर हो उसे सिर्फ तोते की आग दिखाई देती पूरा तोता या आसपास का कुछ भी दिखाई नहीं देता है आपने महाभारत में पढ़ाई होगा कि अर्जुन जो सिर्फ नीचे देखकर यानी पानी में देखकर यानी मछली की सिर्फ आग देते घूमती हुई मछली है उसकी आग देख रहा है लटकाई गई है तो वहां पर उसने सिर्फ धनुर्धारी होने के कारण या फिर आप द्रोणाचार्य की कहानी अगर पढ़ी है तो द्रोणाचार्य गुरु थे किसके गुरु थे एकलव्य एकलव्य को उन्होंने पढ़ाया नहीं लेकिन एकलव्य जिन्हें द्रोणाचार्य को गुरु माना और उसने खुद आत्मनिर्भर होकर शिक्षा प्राप्त की थी कुत्ते की आवाज से सिर्फ आवाज के कारण उन्होंने जो धनुर्ने बाण फेंके थे और कुत्ते के मुंह में कुत्तों को बिना लग के मुंह उसका बंद हो गया था उसकी आवाज बंद कर दी थी सिर्फ ध्वनि के, के माध्यम से यानी लक्ष्य कैसे होने चाहिए जो मैं कुछ सोचता हूं, जो मैं मैं कुछ कुछ सोचता करता हूं, उसको पाने का लक्ष्य होना चाहिए और आपके लक्ष्य ऊंचे होने चाहिए अच्छे होने चाहिए अपने आप के लिए परिवार के लिए समाज के लिए देश के लिए वो फायदेमंद होने चाहिए ये ध्यान में रखो यानी बुरे काम नहीं स्वाभिमान सबको अपना अपना अभिमान होना चाहिए स्वाभिमान होना चाहिए दूरदर्शिता इसके परिणाम क्या हो सकते हैं परोपकार करना चाहिए लोगों को मदद करनी चाहिए आज मैंने किसी को मदद की तो कल मेरे कठिन समय में भी कोई मदद मुझे कर सकता है भले वो प्राणी पशु पक्षी किसी को भी यानी परोपकार करने की आदत हमें होनी चाहिए नहीं मेरे पास है लेकिन मैं दूंगा नहीं ऐसी आदत नहीं होनी चाहिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए आज मेरे पास है कल मेरे पास नहीं होगा तो हमें मदद करने की आदत भी डालनी चाहिए अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करना है गलती मानने का भी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मैंने गलती की है तो गलती मानने का भी आपको एक कठिन कार्य होता है कोई कोई अपनी गलती मानता नहीं है कि मैंने किया ही नहीं है मैंने किया ही नहीं गलत गलत हमेशा गलत बोलता रहता है या हमेशा झूठ बोलता रहता है गलती करने का यानी सुधारने का हमें बराबर कुदरत भी मौका देती है इंसान भी मौका देते हैं, तो गलतियां सुधारनी चाहिए गलतियां सुधारने से कोई भी इंसान सही नहीं होता उससे गलतियां होती है लेकिन वो बार बार गलती करे तो वो खुद करता है ऐसे सोचते हैं लेकिन वो गलती होने के बाद मुझे मेरी गलती कहाँ हुई जैसे आप पेपर लिख रहे हो कृति पत्रिका लिख रहे हो यहाँ पर मुझे अंक नहीं मिले क्यों नहीं मिले सोचना चाहिए मेरे अंक कहाँ गए है ये बार बार मेरी गलती क्यों हो रही है ये भी सोचना चाहिए तो वो गलती ना हो तो सुधारने का प्रयास यानी प्रयत्न करना चाहिए यानी ऐसे अलग अलग गुण आपके कविता के माध्यम से दिए यानी आपकी पाठ्य पुस्तक आपको अलग अलग कुछ कुछ जो है वो पढ़ाती है जीवन में कैसे चलना चाहिए कविता के माध्यम से हो गद्य के माध्यम से हो या कुछ कहानी के माध्यम से हो आपको पढ़ाने की कोशिश करती है जो हमारे संस्कार मिलते हैं घर से संस्कार मिलते हैं, हमारे आस पड़ आस पड़ोस से संस्कार मिलते हैं और हम बचपन से जो देखते हैं वो अच्छा काम क्या है बुरा काम क्या है जिस संगत में रहते हो आप भले ही अच्छे हो लेकिन बुरे के संगति में बुरा ही कहलाए जाते हैं तो इस तरह मानवीय गुण क्या होते हैं यह उड़ान कविता में हमें हमारा व्यक्तित्व अगर सुधारना है व्यक्तित्व का विकास करना है तो उड़ान कविता के माध्यम से जो मानवीय गुण चंद्रसेन विराट जी ने आपको बताए हैं उसके माध्यम से सिर्फ कविता नहीं पढ़नी है तो अपने आप में भी वो लाना है तीसरी कविता जो है स्वतंत्रता गान यह कवि है गोपाल सिंह नेपाली कवि का नाम ध्यान में रखना है यह कविता स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गोपाल सिंह नेपाली द्वारा लिखी गई है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1947 के बाद हमको हमें हमें स्वतंत्रता मिल गई हमें पता है साल ब्रिटिशों ने हम हमारे देश पर राज्य किया ब्रिटिश के पहले भी बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पर आए मुगल आ गए ये वो ऐने बहुत सारे लोग ने हमने स्वतंत्रता प्राप्त की स्वतंत्र यानी हमें अपने ही तंत्र से जीना है हमें अपना ही विचार करना है हमारे देश का विचार करना है वह स्वतंत्रता हर व्यक्ति को स्वतंत्रता अच्छी लगती है आपको अगर दो घंटे भी अगर एक कमरे में रखा जाए तो भी आप रह नहीं सकते पांच मिनट एक जगह पर नहीं बैठते पाठशाला में भी आपकी जगह यहाँ वहां बदलती रहती है इसके पास जाओ उसके पास जाओ इसके साथ बात करो उसके साथ बात करो यानी आपको कहा जाए चुप बैठो दस मिनट चुप बैठो दस मिनट भी आप नहीं रहे स्वतंत्रता यानी हर व्यक्ति को हम पंछियों को पिंजरे में कैद करते हैं हम महसूस करें हमें पिंजरे में कैद हमने देखा ये कोविड का जो सीजन चल रहा है कोरोना का जो चल रहा है इतने माह हम घर में बैठे थे अभी अभी बाहर निकलने लेकिन जो छह सात महीने हमने घर में किस तरह से गुजारे हैं बाहर नहीं निकल सकते डर लग रहा था कि कोरोना हमें ना हो जाए इस डर के कारण हम घर में ही बैठे थे घर में ही क्या क्या कर रहे थे घर में ही सब व्यक्तियों के साथ बैठे थे पंची आराम से घूम रहे थे पशु आराम से घूम रहे थे लेकिन हम बंदिस्त थे तो तब आपको समझ में आया होगा स्वतंत्रता क्या होती है तो ये इस कविता में यानी कवि ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गोपाल सिंह नेपाली द्वारा लिखी गई है इस कविता के अंदर प्रत्येक परिस्थिति में प्रत्येक स्थान पर स्वतंत्रता रूपी दीपक जलाए रखने की प्रेरणा दे रहे हैं मैंने हम देखते हैं कि हमारे घर में भी हमारे जो दादा दादी होते हैं नाना नानी होते हैं नाना नानी हमें बचपन से कुछ कुछ कहानियां बताते हैं हमारे घर में ऐसे नहीं चलता है हमारे घर में ये रिवाज है हम सुनते आते हैं वही हम आत्मसात करते हैं हमारी अगली पीढ़ी को भी वही देते हैं वैसे ही वो स्वतंत्रता रूपी दीपक जो है वो जलाने की प्रेरणा इस कवि ने इस कविता द्वारा दी है यह दीपक देश और देशवासियों के लिए नया सवेरा लाया है हमने देखा बहुत से क्रांतिकारियों ने हमारे देश के लिए यानी खुद का नहीं सोचा खुदगर्ज नहीं हुए वो कभी अपने परिवार का सोचा अपने लिए सोचा कि क्या होगा हमारे परिवार का मुझे क्या मिलेगा ये सब करने के बाद ऐसे नहीं सोचा सिर्फ देश के लिए सोचा मेरा देश स्वतंत्र कैसे हो जाए मेरे देशवासी खुश कैसे रहे और देश को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए खुद हसे फांसी पर चढ़ गए आपने देखा ही होगा भगत सिंह सुखदेव वगैरह आपने देखा ही होगा उनकी पिक्चर जो आई है यानी आपने पिक्चर के माध्यम से देखा होगा तो यह कहानी अन्य अच्छी तरह से पढ़ी होगी पढ़ना आवश्यक है जो क्रांतिकारियों ने जो देशभक्तों ने देश के लिए जो किया है उन पर आधारित जो फिल्म है या पुस्तक है वो आपको पढ़ना आवश्यक है उससे हमें प्रेरणा मिलती है है हम हम 15 अगस्त 26 जनवरी मनाते हैं हैं उस दिन हमारा देश प्रेम उमड़ आता है। हम देखते झंडा लगाकर घूमते हैं झंडा फहरा कर घूमते हैं दूसरे दिन वो झंडा कहाँ जाता है वो भी देख लीजिए कहीं कई बार ऐसे देखते है कि रास्ते में झंडा पड़ा मिलता है आपने कभी सोचा ये झंडा जिसके लिए कितने लोगों ने अपने प्राण बलिदान कर दिए देश के लिए ये झंडा मायने रखता है हमारा राष्ट्रगान मायने रखता है हम देखते हैं राष्ट्रगान चलता रहता है लोग लोग बैठे रहते हैं वंदे मातरम हो या जनगणमन हो उस समय हमें देश के लिए जिन्होंने ये देश के लिए राष्ट्रगान लिखा है देश का राष्ट्रगान है तो उसके प्रति भी हमें अभिमान होना चाहिए ये अभिमान जब राष्ट्रगीत चलता है तो हमें दो मिनट के लिए अच्छी तरह से खड़े रहना है आदर व्यक्त करना है क्योंकि यह झंडा फहराते हुए बहुत सारे क्रांतिकारी बहुत सारे देश जो देशभक्त थे उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी है तो हमें ध्यान रखना चाहिए हम स्वतंत्रता में पैदा हो गए हैं तो हमें पता नहीं है कि पारतंत्र क्या था लेकिन हमने महसूस अभी छह सात महीनों में किया कि पारतंत्र क्या होता है तो वैसे देश के लिए पारतंत्र था तो हमें ध्यान में देना है कि देश का अभिमान हमें होना चाहिए हम देखते क्रिकेट की मैच हो कोई ओलंपिक हो जब हमारा देश का नाम आता है हमारा देश का राष्ट्रगान वहां पर होता है सभी आराम से राष्ट्रगान गाते रहते दो मिनट के लिए खड़े रहते और दूसरे जमीन पर अगर हम हमारे राष्ट्रभाषा राष्ट्रगान सुनते हैं तो हमारे शरीर पर रोंगटे खड़े होते हैं नहीं वो देशभक्ति के मैं यहाँ हूँ मेरा देश है मेरे देश के लिए मुझे खेलना है देश के लिए करना है। ये भावना पहले अच्छी होनी हमारे मन में होनी चाहिए हमारा देश सर्वस्व है, देश है स्वतंत्र होगा तो हम स्वतंत्र होंगे तो ये भावना हमारे मन में होनी चाहिए हम संस्कार घर से सीखते हैं समाज में जब बड़े होते तो समाज में जाते हैं हमें पाठशाला द्वारा भी सिखाई देते आप देखते हैं कि जब कभी हम बाहर जाते आपको आपके रिश्तेदार हो या कोई भी हो पूछते हैं क्या करता है कौन सी कक्षा में है आप बोलते हैं यानी आपके पढ़ाई के बारे में पहले पूछते हैं फिर आपने कुछ गलत काम किया तो क्या बताते हैं यही सीखा है क्या पाठशाला में जाकर यही सीखते हो माँ बाप यही सिखाते हैं क्या यानी दोनों को दोष देते हैं अपने माता पिता और अपने पाठशाला को दोष देते है आप क्या पढ़े आपने क्रिया की है लेकिन दोष उनके यहां जाता है इसलिए ध्यान रखे आपके जो संस्कार है अच्छी बातें लेनी चाहिए चुन चुन कर लेना चाहिए जो कुछ अच्छा है अपने लिए अच्छा है अपने परिवार के लिए अच्छा है समाज के लिए अच्छा है वो हमें लेना चाहिए तो ये स्वतंत्रता रूपी दीपक जलाए रखने की प्रेरणा कवि ने दी है अब ये पद्य विभाग बारह अंकों का होता है जिसके अंतर्गत दो पठित कविता आती है एक मध्ययुगीन और दूसरी आधुनिक मैंने कहा मध्य कविता मैंने कहा कह कविराय और उड़ान और स्वतंत्रता का यह आधुनिक कविता है हर कविता छह अंकों की होती है जिसमें अभी जैसे मैंने गद्य विभाग में बताया कि दो आकलन होते हैं चार अंक के लिए यहाँ पर आकलन दो अंक के लिए होता है शब्द संपदा दो अंक की होती है कविता का यहाँ पर भावार्थ लिखने के लिए आता है यहाँ पर स्वमत नहीं आता भावार्थ यानी कविता में क्या भाव पूछे जैसे मैंने ये तीन कविता आपके सामने लिखी कविता में क्या बोला है यानी कवि ने क्या कहा है ये भावार्थ है आपको कौन सी पंक्तियां दी अंतिम चार पंक्तियों का कीजिए पहली चार पंक्तियों का कीजिए भावार्थ तो कविता का भावार्थ कवि ने इस कविता में क्या कहा है कवि कौन है कवि का नाम क्या है ये आपको अच्छी तरह से मालूम होना जरूरी है तो भावार्थ लिखते समय कवि का नाम लिखा कविता का नाम लिखा तो यहाँ पर आपको आधा अंक तो आराम से मिल जाता है और भावार्थ जो प्रस्तावना में है ये इस कविता में कवि ने क्या कहा है वो अगर लिखा तो वहां पर एक अंक हो गया और जो पंक्तियां दी है उसका अगर आपने अर्थ लिख दिया तो ये पूरे मार्क मिल सकते यानी इस तरह से छह के छह अंक आपको मिल सकते हैं तीन कविता है तीन कविता में से एक कविता तो फिक्स है कि कह कविराय मध्ययुगीन कविता है वो आ सकती है और दूसरी दो आधुनिक कविता है उनमें से एक आ सकती है तो ध्यान रखिए कि विभाग किस तरह से एक उदाहरण में देती हूँ कुन के गाह सहस नर बिन गुन लहे न कोय जैसे कागा को किला शब्द सुने सब कोई आपको पता है कह कविराय की यह है शब्द सुने सब कोई कोकिला सबे सुहावन दो के एक रंग काग सब भय अपावन कह कविराय सुनो हो ठाकुर मन के बिन गुण लहे न कोय सहस नर गाहक गुण के देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार जब लगी पैसा गाठ में तब लगी ताको यार तब लगी ताको यार यार संगत संग डोले पैसा रहा न पास यार मुख से ही नहीं बोले कह गिरिधर कविराय जगत का ही यह लेखा करत बेगर जी प्रीति मित्र कोई न दूजा ऐसे हमने ये कविता का अगर पंक्तियां पंक्तियां दी है जी आपको दो कुंडलियां दी है इस दो कुंडलियों में से कभी कभार एक ही कुंडली देती है इतनी बड़ी भी देनी देती है मैंने आपको सिर्फ देख सामने रखी है दो कुंडलियां तो उस पर आधारित आपको यहाँ पर कृति कैसे की जाएगी ने कैसे पूछी जाएगी अभी कृति एक आकृति पूर्ण कीजिए यहाँ पर आपको चार दिए हैं दो अंक के लिए है तो कुंडली में बताया गया है महत्व अभी कुंडली में बताया गया कौन से तो गुण का महत्व बताया गया है इन दोनों का रंग एक जैसा किन दोनों का रंग एक जैसा है कागा कोकिला कोई शब्द के लिए प्रयुक्त शब्द कोई शब्द है उसके लिए कोय ये आया है संसार में व्यवहार क्या है तो मतलब का व्यवहार है ऐसे अलग अलग आकृति पूर्ण कीजिए संजाल पूर्ण कीजिए अलग अलग ढंग से दो अंक का आपको आकलन होगा या एक एक अंक के लिए आकृति संजाल ऐसे भी हो सकता है फिर कृति दो नीचे दिए वाक्यों के आधार पर प्रश्न बनाइए अभी यहाँ पर पैसा पास न होने पर मित्र मुख से भी नहीं बोलते ऐसे आपको वाक्य दिया है वाक्य देने पर क्या मित्रों का व्यवहार कैसा हो जाता है पैसा, पैसा पास न होने पर मित्रों का व्यवहार कैसा हो जाता है यह आपको प्रश्न बनाया है गुणों के बिना कोई किसी को पसंद नहीं करता किसके बिना कोई किसी को पसंद नहीं करता यह सवाल हो गया यानी आपको प्रश्न बनाने के लिए भी यहाँ पर पूछे जाते हैं कृति तीन अंतिम चार पंक्तियों का भावार्थ लिखिए तो कह कविराय इस कविता में कवि गिरधर यानी मैंने कविता का नाम भी लिखा कवि का नाम भी लिखा कहते हैं कि पूरे संसार को देख लिया है सभी का व्यवहार स्वार्थ से भरा है जब पैसा पास में होता है, तब सभी व्यवहार करते हैं और पैसा पास न होने पर सभी मित्र समय के साथ रहते हैं। समय के साथ रहने जिसके पास पैसा है तब तक मित्र साथ में रहते हैं पैसा नहीं होता है तो मित्र भी हमसे नजर यानी चुरा कर जाते हैं साथ घूमते हैं और सम्मान भी प्राप्त होने पर भी नहीं। और पैसा न प्राप्त होने पर वही मित्र बात भी नहीं करते धन समाप्त तो होता है वहां मित्र कभी बात नहीं करते इस तरह से यहाँ पर भावार्थ लिखा है तो इस तरह से छह अंक के लिए आपको पद्य विभाग आता है दो कविताएं पूछी जाती है और दो अंक आकलन का दो अंक शब्द संपदा दो अंक आपके भावार्थ का होता है अगला हम देखेंगे पूरक पठन विभाग तीसरा आठ अंक का है इसमें जंगल जो दूसरा है चित्रामुदगल इसमें लेखिका चित्रा मुदगल ने, ने बताया है कि हम लोग अपनी खुशी के लिए पशु पक्षियों को पालते हैं उनको प्यार तो करते हैं पर उनकी स्वतंत्रता छीन लेते हैं तो वैसे पशु पक्षियों को स्वतंत्रता पूर्वक अपनी प्राकृतिक वातावरण में रहने देना इस बात पर बल दिया गया है यानी उनको स्वतंत्र रखना चाहिए जिस प्रकार हम मनुष्य को अपनी स्वतंत्रता अपना समाज प्रिय होता है उसी प्रकार इन मासूम, बेजुबान प्राणियों को भी अपने संगी साथियों के साथ रहने का अधिकार है। ये छोटे खरगोश के माध्यम से जंगल की कहानी बताइए आपने अच्छी तरह से यह पढ़ी है तो ये जंगल का ये सारांश है उस पर आधारित भी आपको कृतिया है निसर्ग वैभव ये आपको कविता है पद्य विभाग है पूरक पठन में पूरक पठन में एक गद्य विभाग आता है एक पद्य विभाग आता है तो निसर्ग वैभव एक ही कविता है उसके बारे में पूछा ही जाने वाला है ये सुमित्रानंदन पंत की कविता है इस पद्यपूरक पठन में कवि पंत जी ने पर्वतीय सौंदर्य का वर्णन किया है साथ ही मानव संसार में व्याप्त असंतोष अहंकार आदि को लेकर सभी चिंतित भी है उनका कहना है कि जड़ संसार में चारों ओर सौंदर्य बिखरा पड़ा है यानी हम निसर्ग की ओर देखते है सुबह उठकर भी हमने सूर्योदय देखा अंत में शाम को सूर्यास्त देखा तो भी हमें प्रसन्न लगता है क्यों चोटी -चोटी बातों के कारण इंसान दुखी रहता है यानी निसर्ग वैभव इतना दिया हुआ है कि सुबह से लेकर बारिश के मौसम में हमारा निसर्ग कैसा होता है गर्मियों के इसमें कैसा होता है गर्मियों के हम देखते हैं कि गर्मी है लेकिन फल कितने पानी वाले हमें मिलते हैं कि हमारी श्रुदा को यानी भूख है पानी को प्यास को बुझाते हैं पानी वाले फल आते हैं देखो गर्मियों में हम बोलते हैं कि ऐसे जाम आते हैं फिर आम आते हैं फिर जो मराठी में ताड़गोला कहते हैं वो है पानी से भरा हुआ है ऐसे नारियल जो है नारियल का पानी पीते है यानी निसर्ग ने हमें इतना दिया है कि हर ऋतु में हम अच्छी अभी गर्मियों के मौसम के बारे में देखा सर्दियों का मौसम ठंड के मौसम में अच्छी अच्छी सब्जियां आती है अच्छे फल आते हैं कि वो देखकर ही मन प्रसन्न होता है हम कहीं जाते हैं तो वहां का दृश्य देखकर भी हम ऐसे क्या होता है हमें पता नहीं कितना अच्छा है यहाँ जाना है वहां जाना है घूमने की आदत हो यात्रा करने की आदत हो तो उनके लिए तो चार चांद लग जाएंगे वो हमेशा भूगोल के माध्यम से कौन सी जगह कहाँ है वहां क्या देखने लायक है वो देखते रहते हैं जहाँ छुट्टियां मिलती है वो भागते हैं तो भगवान ने इस निसर्ग में बहुत सारी चीजें बताई है सुमित्रानंदन पंत ने यहाँ पर सौंदर्य का वर्णन किया है तो इस पद्य विभाग में भी चार अंक यानी आपको छह अंक का आता है तो वहां पर भी आपको यानी चार अंक के लिए एक पूरक पठन है तो ये पूरक पठन की कविता चार अंक के लिए होती है तो वहां दो अंक आकलन के है और दो अंक आपका स्वमत है तीसरा जो पूरक पठन है यानी आपको यहाँ पर मैंने बताया है कि जंगल जंगल का चित्र बताया है और निसर्ग वर्णन जहां पर है वहां पर आपको चित्र बताया है कि देखकर भी मन को अच्छी तरह से लगता है प्रसन्न लगता है शेर को देखने जाते हो बाघ को देखने जाते हो जंगल में हम जंगल सफारी करते हैं तो जंगल कैसे होता है ये भी हमें जान पड़ता है बाद में तीसरा जो है पूरक पठन मेरे पिताजी मेरे पिताजी डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन बच्चन नाम से तो आप वाकिफ हो अमिताभ बच्चन की ये पिताश्री है अब नहीं है तो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की ये पाठ है प्रस्तुत पूरक पठन में लेखक बच्चन जी ने अपने पिता के रहन सहन ने पिताजी कैसे रहते थे कैसी आदते थे उनका व्यक्तित्व कैसा था स्वाभिमान कर्तव्य निष्ठा आदि गुणों के साथ साथ देश पर समाज में आए परिवर्तनों को बड़े प्रभावी ढंग से चित्रण किया है हरिवंश राय बच्चन के पिताजी का वर्णन यहाँ पर है यानी अमिताभ बच्चन के दादाजी का वर्णन है यह ध्यान में रखो यहाँ पर अमिताभ बच्चन का जिक्र नहीं करना है सिर्फ मैंने आपको बताया है तो किस तरह से मेरे पिताजी में वर्णन किया है इसके बारे में भी आपको चार अंक के लिए पूछा जा सकता है तो आपको यानी पाठ का सार मालूम होना जरूरी है लेखक कौन है पाठ का नाम क्या है पूरक पठन आठ अंक का होता है जिसके अंतर्गत चार अंक गद्य तथा चार अंक पद्य के होते यहाँ हमें एक ही पद्य का अभ्यास करना है वह है निसर्ग वैभव तथा दो गद्य है जंगल और दूसरा है मेरे पिताजी इनमें से कोई एक परीक्षा में पूछा जाएगा पूरक पठन में आकलन दो अंक का है और स्वमत दो अंक का होता है अभी यहाँ पर आपको मैंने ये निसर्ग वैभव का ही एक उदाहरण दिया है आपके सामने कविता है परिचित के रूप में रखा है तो यहाँ पर कृतिया कैसी होगी पहली कृतिया है जोड़िया मिलाइए अ और बो। अभी मैंने यहाँ पर सवाल लिखे अ और ब उसके बाजू में तीन चार एक दो ये उत्तर है वैसे लिखने नहीं है तो विषण्य उसका उत्तर क्या आता है जीवन शुद्र उसका उत्तर क्या आता है अहंता मनुज उसका उत्तर क्या आएगा प्रकृति विश्व उसका उत्तर क्या आएगा चेतना तो उसके सामने मैंने अंक रखे हैं। फिर यहाँ पर स्वमत के हिसाब से कौन सा प्रश्न आया किसी निसर्ग रम्य जगह का वर्णन कीजिए अभी आपने कौन सी जगह देखी देखी नहीं होगी तो भी निसर्ग तो आप देखते हैं तो वैसे वर्णन कर सकते हैं। कुछ समय कुछ जगह ऐसे होते हैं कि हम देखते ही रह जाते हैं वैसे ही मैं गांव में गया था तो मेरी नजर सूर्योदय होते समय सूर्य पर पड़ी वह सौंदर्य में देखता ही रह गया यहाँ पर मुहावरों का भी इस्तेमाल करना है यानी हमारी भाषा साहित्यिक होती है आकाश में पूर्व दिशा नहीं तो धीरे धीरे लालिमा बढ़ रही थी रात भर आकाश में चमचमाते तारे धीरे धीरे धूमिल हो रहे थे मैंने थोड़े से कविता का ही यहाँ पर वर्णन किया है जब जगह का वर्णन करना है तो हम कविता का थोड़ा सा उपयोग कर सकते हैं कहीं आकाश मटमेला है कहीं हल्का नीला है कहीं सुनहरा है कहीं लाल दिखाई दे रहा है वातावरण में पक्षी जो चाहते हैं कलियां खिल रहे हैं चहचहाते हैं फुल मुस्कुरा रहे थे यह निसर्ग रम्य वर्णन आपने सात आठ वाक्यों में किया कविता के मदद से किया आपने जगह देखी भी ना हो तो भी एक कल्पना के माध्यम से आप लिखेंगे तो भी आपको स्वमत को अच्छी तरह से अंक मिल सकते हैं इस तरह से मैंने गद्य पद्य और पूरक पठन किस तरह से होते हैं मैंने आपको बताया कि गद्य बीस अंक का है पद्य बारह अंक का है पूरक पठन आठ अंक का है ये चालीस अंक आपके पुस्तक पर आधारित है आप पढ़ाई करोगे तो आपको अच्छी तरह से कृति पत्रिका हल करनी आएगी ही मुझे विश्वास है आपको अच्छी तरह ही आएगा यानी जरूरी नहीं है कि आपने अभी क्या आपके सामने परिचित होता है परिच्छित में से ही लिखना होता है तो जवाब तो आप लिख सकते इतने तो सयाने है नाइन्थ में है टेंथ में जाओगे तो आपको यह दृष्टि होनी आवश्यक है इस तरह से आपको मैंने गद्य पद्य के बारे में बताया ये निसर्ग है आपको निसर्ग देख के ही अच्छा लगता है तो ये अः यहाँ पर मैंने एक दूसरा भी लिया है पूजा से पिताजी ठीक समय आठ बजे उठते तो आठ बजे उठते वगैरह पिताजी के जो परिच्छेद है वो यहाँ पर लिया है तो ये गद्यांश है ये गद्यांश पर भी मैंने एक परिचित तैयार किया है तो उसपे कैसे कृति आ सकती है सत्य और असत्य लिखिए ऐसे भी सवाल आ सकते हैं आपको यहाँ पर सत्य और असत्य लिखना है आपको सूचना दी है सत्य असत्य सही गलत की नहीं है आपने वहां सत्य असत्य की जगह सही गलत लिखा तो आपके अंक जाएंगे इसलिए मैं कहती हूँ कि आप सूचना पढ़िए यहाँ पर मैंने उत्तर नहीं दिए आपको स्वाध्याय के लिए दिया है पिताजी नौ बेचते बेचते दफ्तर के लिए रवाना हो जाते सत्य या असत्य मेरी माँ खाना न खाती वे तीनों खाना खा लेती थी किसी किसी दिन माँ भोजन नहीं बनाती थी अपना गुस्सा निकालने का समय भी पिताजी के पास नहीं होता ये परिचित में से ही मैंने पूछा है सत्य है या असत्य वाक्य लिखना है और उसके बाद आपको सत्य है या असत्य है वो लिखना है कृति दूसरी आपको यहाँ स्वमत पूछा है संयुक्त परिवार संबंधी अपने विचार सात आठ पंक्तियों में लिखे संयुक्त परिवार यानी एकत्रित परिवार हमारे घर में हमारे दादा दादी भाई बहन कब कबार चाचा चाची पहले के जमाने में एक साथ परिवार होता था आजकल हमारा परिवार छोटा हो गया है माता पिता भाई बहन यही होते हैं और कभी कभार दादा दादी हो सकते हैं या गांव में हो सकते हैं तो ये ऐसे संयुक्त परिवार के बारे में अपने विचार रख लीजिए कि संयुक्त परिवार होना आवश्यक है या नहीं ये ये आपका मत है क्या फायदे है क्या क्या फायदे नुकसान है? ये आपको मैंने सिर्फ पॉइंट्स बताए लेकिन मेरे विचार से देखो तो संयुक्त परिवार जो है वो आपको अच्छा ही है आपको संस्कार बढ़ाने के लिए बुजुर्गों की जरूरत होती है अच्छा अगर कुछ करना है अच्छे संस्कार है अच्छी आदतें हैं, तो आपके बुजुर्गों से ही आपको सीखनी पड़ती है बुजुर्गो आपको धीरे धीरे सिखाते कहानियों के माध्यम से सिखाते हैं संयुक्त परिवार होना अच्छा है ये मेरे ख्याल है आपके ख्याल अलग हो सकते हैं। तो जो भी ख्याल हो वो आपको यहाँ पर सात आठ पंक्तियों में लिखने इस तरह से पूरक पठन का एक गद्य भी मैंने बताया उसका सत्य असत्य आपको लिखना है संयुक्त परिवार का जो है वो भी आपको लिखना है इस तरह से एक स्वाध्याय के लिए आपको दिया है अभी हम देखेंगे दूसरा जो है तो मैंने पहले देखती हूँ कि मुझे दूसरी स्क्रीन शेयर करनी है तीसरा विभाग पहले हमने क्या देखा पहला विभाग गद्य का देखा दूसरा विभाग जो है पद्य का देखा पद्य विभाग के बाद हमने पूरक पठन देखा इस तरह चालीस अंक की हमने तैयारी की अभी तीसरा चौथा विभाग जो है हिंदी व्याकरण जिसे हम उपयोजित वगैरह जो है रचना विभाग इसमें भी आता है तो हिंदी व्याकरण ये व्याकरण सबसे महत्वपूर्ण है चौदह अंक के लिए आता है इसमें शब्द भेद पहला एक अंक के लिए आता है शब्द भेद है अव्यय है संधि सहायक क्रिया क्रिया, मुहावरे, कारक, विराम चिन्ह, काल परिवर्तन, वाक्य भेद और वाक्य शुद्ध ऐसी ग्यारह कृतियां होती है ये ग्यारह कृतियां है तो ग्यारह कृतियों के लिए हमें चौदह अंक होते हैं अब ये व्याकरण का प्रश्न है तो ध्यान से हमें लिखना है सॉरी उसमें व्याकरण की यानी व्याकरण में मात्राओं की गलती नहीं होनी चाहिए जैसे दिया है वैसे लिखना है आपको जो पूछा गया है, है।, है वही करना है अभी व्याकरण चौदह अंक का होता है मैंने सूचना भी लिखा है कि हमें लिखते समय हमें मात्राओं की और ध्यान देना आवश्यक है शब्द या वाक्य बराबर होने पर भी व्याकरण की दृष्टि से गलत हो सकता है और अंक काटे जाते हैं प्रश्न पत्रिका यानी कृति पत्रिका में गलत शब्द या वाक्य हो तो अंक नहीं कटेंगे पर वहां सही है और आप लिखते समय गलत कर दिया तो अंक कट सकता है पहले हम देखेंगे शब्द भेद एक अंक के लिए होता है शब्द भेद में हमें सिर्फ एक बात ध्यान रखने संज्ञा सर्वनाम और विशेषण इसके और ध्यान देना है क्रिया के और ध्यान नहीं देना है शब्द भेद कहा तो संज्ञा संज्ञा यानी क्या नाम व्यक्ति का हो वस्तु का हो जगह का हो सर्वनाम उस संज्ञा के बारे में जो प्रयुक्त किया जाए उसने मैंने वहां यहाँ जो है वो सर्वनाम है विशेषण संज्ञा के बारे में विशेष जानकारी देने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। वैसे आपको वाक्य दिया जाता है वाक्य में अधोरेखित शब्द हो सकता है या फिर आपको यानी वो डार्क किया होता है जैसे मैंने यहाँ उदाहरण दिया है मेरी बड़ी बहन ससुराल गई बड़ी बड़ी के लिए शब्द भेद क्या हो सकता है तो बहन कैसी है तो बड़ी बहन है छोटी बहन है बड़ी बहन है तो बड़ी ये विशेषण है तो वहां सब उत्तर क्या लिखना है बड़ी विशेषण अंक देना है एक अंक शब्द भेद है अंक एक है नही वो कौन से क्रमांक पर आता है एक शब्द भेद है उसका बड़ी विशेषण उतना उत्तर लिखा बहुत है सोना बहुत महंगा है तो सोना सोना क्या है सोना चांदी हमारे सामने आ जाते हैं सोना क्या है संज्ञा है यानी वस्तु का एक नाम है किसी वस्तु जगह व्यक्ति को नाम दिया जाता है वो संज्ञा कहलाती है हम मुंबई से बड़ौदा चले गए हम हम यानी कौन सर्वनाम है हम सबके नाम नहीं दिए है उसके बदले जो प्रयुक्त शब्द किया है वो सर्वनाम है उत्तर लिखते समय प्रश्न का क्रमांक और सिर्फ उत्तर लिखे जिसमें अधूरे अधोरेखाक अधोरेखांकित शब्द शामिल हो परीक्षा में संज्ञा सर्वनाम और विशेषण पूछा जाता है अभी यहाँ पर पाठ्य पुस्तक क्रमांक आपके पुस्तक का नहीं है ये मैंने दसवीं के पुस्तक के लिए यहाँ पर दसवीं का भी व्याकरण चल सकता है यानी व्याकरण दोनों के लिए आठवीं नवी दसवीं के लिए यानी सरीखा है तो ये दसवीं के पृष्ठ क्रमांक है बाद में दूसरा अंक आता है अव्यय अव्यय के लिए एक अंक है जैसे शब्द व्यक्त सव्यय है और ये अव्यय है तो ये सव्य में शब्द वेद में संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया आती है लेकिन शब्द भेद करते समय हमें क्रिया पूछी नहीं जाती है संज्ञा सर्वनाम और विशेषण यही हमें लिखना है और अव्यय के समय चार अव्यय है हमारे क्रिया विशेषण अव्यय समुच्चय बोध अव्यय संबंध सूचक अव्यय विस्मयादि बोधक अव्यय यहाँ पर आपको क्या दिए जाते है दो अव्यय के शब्द दिए जाते हैं वहां पर अव्यय के अनुसार वाक्य करने होते हैं जैसे यहाँ पर पहला दिया है बल्कि राम नहीं बल्कि उसका भाई श्याम था तो बल्कि वो कैसे इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर मैंने उदाहरण दिया है राम नहीं बल्कि भाई श्याम अब ये शाम लिखते समय भी आप गड़बड़ कर सकते हैं ये श्याम जो है ये व्यक्ति का नाम है ये और जुड़ा हुआ है लेकिन सिर्फ श लिखा तो वो शाम यानी इवनिंग यानी शाम का समय होगा ये ध्यान में रखो इसलिए कोई भी शब्द लिखते समय हमें पूरी तरह से अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए कि इसका अर्थ गलत तो नहीं हो रहा है तो उस तरह से या अपना नाम लिखिए अपने नाम में हम गलती नहीं करते तो वैसे बल्कि इस्तेमाल किया है, उसे अधोरेखांकित कीजिए या उसके चौखट लगाइए वाह उद्गार वाचक चिन्ह है वाह क्या बात कही है ऐसे हम वाक्य तैयार कर सकते हैं धीरे धीरे कछुआ धीरे धीरे चलता है धीरे धीरे शब्द है उसमें योजक चिन्ह लगना चाहिए धीरे धीरे के बीच में तो ये वैसे इस्तेमाल करना है और एक मात्रा वाला और है एक मात्रा वाला और का मतलब क्या है साइड यानी उस तरफ साधु नदी के और गए अब ये चारों अवयों का मैंने उदाहरण दिया है बल्कि दो वाक्यों को जोड़ने वाला यानी कौन सा है समुच्चय बोधक अव्य यहाँ पर अव्यय का नाम नहीं लिखना है लेकिन हमें अव्यय पता होना जरूरी है तो दो वाक्य जोड़ते हैं या दो शब्द जोड़ते हैं वो समुच्चय बोधक अव्यय है वाह उद्गार वाचक चिन्ह आ गया विस्मय बोधक अव्यय ये ध्यान में रखो उद्गार वाचक चिन्ह विस्मय बोधक अव्यय धीरे धीरे अभी ये कछुआ धीरे धीरे कैसे चलता है हमें क्रिया को सवाल पूछने पर क्रिया विशेषण है ना क्रिया के बारे में विशेष जानकारी देने वाला तो क्रिया को सवाल पूछने पर जो हमें उत्तर मिलता है जैसे राम अंदर चला गया कहा चला गया अंदर अंदर ये क्रिया विशेषण है तो क्रिया विशेषण ध्यान में रखो क्रिया को सवाल पूछने पर जो हमें जवाब मिलते हैं वो क्रिया विशेषण है और अभी नदी के और नदी और साधु इसका संबंध के और इस शब्द से का की के रा री रे ये छे ध्यान में रखो उसके बाद आने वाला जो शब्द है वो संबंध सूचक संबंध बताता है वस्तु का जगह के साथ जगह का व्यक्ति के साथ व्यक्ति का व्यक्ति का के साथ ऐसे जो संबंध दिखाया जाता है वह शब्द है और जैसे काकी के, के बाद वैसे और भी शब्द आ सकते हैं कि रामू की किताब है किताब किसकी है रामू की तो काकी के रे। इसके बाद आने वाला जो शब्द होता है वो संबंध सूचक होता है संबंध यानी रिलेशन तो यह शब्द मैंने जो चार अव्यय बताए हैं वो आते हैं परीक्षा में केवल अर्थपूर्ण वाक्य लिखना आवश्यक है प्रकार नहीं आपको शब्द दिए गए हैं तो उस अव्यय के अनुसार आपके वाक्य होने चाहिए वाक्य लिखते समय अव्य के अनुसार हो छोटे हो अर्थपूर्ण हो और उसमें मात्राओं की गलती ना हो ये ध्यान में रखो यानी अभी तक हमने वेद का एक अंक अव्यय का एक अंक पढ़ा है आगे देखेंगे संधि संधि का मतलब है क्या संधि यानी एक दूसरे को जोड़ना अब ये संधि के तीन प्रकार है हमें सिर्फ परीक्षा के बारे में ध्यान रखना है संधि के कितने प्रकार है उसके उप प्रकार कितने है, ध्यान में नहीं रखना अगर आगे जाकर हिंदी की बहुत सी आप पढ़ाई करोगे स्पेशल हिंदी लोगे तब आप व्याकरण को अच्छी तरह से पढ़िए यहाँ पर एग्जाम के लिए सिर्फ मैं आपको बताती हूँ संधि के तीन प्रकार है स्वर संधि व्यंजन संधि और विसर्ग संधि ये तीन प्रकार जो है स्वर आपको पता है आप वर्णमाला पढ़ी है पहले से लेकर स्वर अ आ ई ये स्वर कहलाते हैं। तो अम तक जो है वो स्वर है व्यंजन किसे कहते क से लेकर न्य तक जो है वो व्यंजन है व्यंजन यानी क्या क आधा जो उसके पैर तोड़े होते हैं जिसे हल हलंत कहते हैं तो क आधा है यानी पैर तोड़ा हुआ है उसमें अ जोड़ा गया तो पूर्ण हो जाता है तो वो व्यंजन कहलाता है तो स्वर यानी अ से जैसे हमारे जो शब्द है क में अ मिलाया तो पूर्ण हो गया क में आ मिलाया तो का हो गया तो स्वर मायने रखते हैं और व्यंजन वो शब्द बनाते हैं विसर्ग यानी दो आपके यहाँ जो ये यह होते हैं यानी दो डॉट होते हैं उसे विसर्ग कहते हैं तो यहाँ पर आपको दो पूछे जाते हैं तालिका दी होती है तालिका करनी आवश्यक है पेन से ही कीजिए पेंसिल से नहीं एक में आपको संधि विच्छेद दिया होता है और एक में शब्द दिया होता है लेकिन संधि के प्रकार तो आपको बता ही है तो शब्द दिया गया यहाँ पर सदाचार सत अधिक आचार आपको संधि विच्छेद करना है अभी अधिकार पाव टूटा हुआ है त तो का पाव टूटा हुआ है और बाद में अ आ इह, स्वर लगा हुआ है तो ये व्यंजन संधि है यानी संधि के प्रकार आप अच्छी तरह से पहचानोगे और पहचानोगे ही आधा अंक वहां मिलता ही है आपको दूसरा है यथार्थ यथा अधिक अर्थ यहाँ पर यथा अधिक अर्थ आ गया था और यथार्थ तो ये स्वर संधि हुआ नहीं है तो पाव टूटा हुआ होगा तो व्यंजन संधि विसर्ग यानी दो डॉट आए होंगे तो विसर्ग संधि आपको एक संधि विच्छेद दिया जाता है और एक शब्द दिया जाता है और संधि के प्रकार तो बता नहीं है तो दोनों में से एक करने हैं तो मेरे ख्याल से जहां संधि विच्छेद दिया गया है और आपको शब्द लिखना है वो कीजिए आपके अंक नहीं जाएंगे और दोनों आते हैं तो दोनों कीजिए संधि के प्रकार तो मैंने आपको कैसे पहचानने हैं वो बताया स्वर संधि यानी पाव टूटा हुआ है और उसके बाद में कौन सा ही स्वर लगा हुआ है उसके साथ संधि विच्छेद में तो वो यानी क्या है व्यंजन संधि है स्वर संधि अ आई पूर्ण शब्द पूर्ण जो है व्यंजन और स्वर ये दोनों मिलकर स्वर संधि होते हैं और जहां विसर्ग है वो विसर्ग संधि इतना ही आप ध्यान में रखो स्वर के कौन स्वर संधि के प्रकार कितने हैं व्यंजन संधि के प्रकार कितने हैं विसर्ग संधि के प्रकार कितने हैं वो देखना नहीं है हमारे सामने सिर्फ वो ही लिखना है एक अंक यहाँ मिल सकता है संधि है कठिन लगती है ये ध्यान में मत रखो सहायक क्रिया सहायक इस शब्द से हमें पता चलता है मदद तो सहायक क्रिया एक अंक की होती है परीक्षा में लिखते समय वाक्य लिखने की आवश्यकता नहीं होती है तालिका में सहायक क्रिया और मूल क्रिया आपके सामने देखो दे तालिका रखी है सहायक क्रिया का एक कॉलम बनाना है मूल क्रिया का एक कॉलम कॉलम के लिए तालिका कहते हैं उसका अवश्य करें मात्राओं के और ध्यान रहे ग्रामर के हर व्याकरण के हर इसमें मैंने लिखा ही है मात्राओं के और ध्यान रहे सहायक नाम से ही यह क्रिया को सहायता करती है यह जान पड़ता है यहाँ पाठ्य पुस्तक दसवीं का है मैंने बार बार कहा है तो उदाहरण के तौर पर हम सभी समुद्र के और दौड़ पड़े तो सहायक क्रिया कैसे पहचानिए वाक्य में दो क्रिया है दौड़ना और पड़े नदी के तरफ चले आओ चले और आओ चाय पी लीजिए पी और लीजिए दो दो क्रिया है उसमें अंतिम क्रिया जो होती है वो सहायक क्रिया होती है ये ध्यान में रखो यानी एक अंक मिल गया पड़े पहले इसमें पड़े है तो सहायक क्रिया पड़े है मूल क्रिया क्या है पढ़ना ढ नहीं है पढ़ना पढ़ना पढ़ाई होगी आओ ये सहायक क्रिया है दूसरे वाक्य की उसका आना हो गया मूल क्रिया आना हो गया तीसरे चाय पी लीजिए तो लीजिए ये सहायक क्रिया है मूल शब्द यानी मूल क्रिया क्या है लेना इस तरह सहायक क्रिया लिखते समय तालिका बनाइए सहायक क्रिया के लिए आधा अंक है मूल क्रिया के लिए आधा अंक है यानी अब तक हमने चार अंक प्राप्त कर लिए हैं व्याकरण के तौर से प्रेरणार्थक क्रिया जो हमें प्रेरणा देती है यानी प्रेरणा देती है एक रूप गलत हो गया तो आधा अंक जा सकता है और दोनों बराबर हो गए तो एक अंक पूर्ण मिल सकता है तो क्रिया देते हैं प्रथम प्रेरणार्थक रूप और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप करने के लिए कहते हैं इसके भी नियम है तो हमें ये बार बार पढ़ने से बार बार करने से हर पाठ्य पुस्तक के पीछे आपको स्वाध्याय दिया है उसके नीचे व्याकरण की कृतिया भी है और आपके पाठ के पीछे व्याकरण और रचना विभाग है उसके अंतर्गत भी सब कुछ है जो कुछ है आपके पाठ्य पुस्तक में है तो यहाँ पर मैंने किसी को भी पढ़ाया है प्रथम प्रेरणार्थक मैंने मैं उसकी क्रिया कर रहा हूँ पढ़ना और दूसरे से मैं क्रिया करवा कर लेता हूँ तो पढ़वाना मैंने, मैंने अपने बेटे के लिए आ, अध्यापक द्वारा पढ़ाया पढ़वाया तो पढ़वाना दूसरों से क्री जाती है वो द्वितीय प्रेरणा तक तो पढ़ना पढ़ाना पढ़वाना बैठना बिठाना बिठवाना तो बैठना ये क्रिया है तो प्रथम उसका बिठाना हो गया इकारांत हो गया सोना सुलाना सुलवाना यानी सोना यानी सोना नहीं है या मेटल नहीं है तो सोना यानी नींद लेना सुलाना सुलवाना देखना दिखाना दिखवाना आदत से आपको हो जाएगा ये परीक्षा के लिए ये ध्यान में रखना है खाना खिलाना खिलवाना ये खाना है खिलाना खिलवाना आप सोचेंगे कि मैंने किसी को तो भी कुछ खिलाया है तो वो खाना है और खिलाना यानी मैंने बच्चे को खिलाया यानी खिलाया और खिलाना वो अलग होता है तो खाना खिलाना खिलवाना तो उसके बाद प्रेरणार्थक क्रिया आपको ये आपको तालिका बनानी है प्रथम प्रेरणार्थक आपके बराबर हो गए तो आधा अंक द्वितीय प्रेरणार्थक बराबर हो गया तो आधा अंक दोनों मिलकर एक अंक का होता है आपको एक ही पूछा जाता है दो दिए जाते हैं उसमें से एक लिखना है दोनों आती है तो दोनों लिखिए यानी कोई भी मात्रा के कारण मार्ग जाते हो आपके अंक जाते हो तो आपको दूसरे की सहायता ले सकते हैं मुहावरे एक अंक का होता है आपके पाठ के नीचे गद्य पद्य और पूरक पठन इसके नीचे जो मुहावरे दिए गए हैं पहले सत्र में आपने जो कुछ पढ़ा है पांचवी से लेकर जो कुछ मुहावरे है वो आपने रट लिए है लेकिन ज्यादा से ज्यादा आपके पाठ्य पुस्तक में आपके यानी जो सिलेबस है उसके अनुसार ही मुहावरे आते हैं मुहावरे का अर्थ आधा अंक का होता है और वाक्य लिखना है उसको आधा अंक होता है और वाक्य लिखते समय यानी आपको वाक्य अर्थपूर्ण होना, होना चाहिए और उसमें मुहावरे का ही प्रयोग होना चाहिए सर्वनाम से वाक्य ना हो आपको वाक्य लिखना है और आपने व्यक्ति का नाम ही देना है सर उसने वैसे तो उसने किया तो वैसे किया वैसे नहीं देना है तो सर्वनाम का इस्तेमाल नहीं करना है तो आपको किसका इस्तेमाल करना है तो व्यक्ति का नाम का और व्यक्ति का नाम भी ऐसे लिखना है कि मात्राओं की गलती ना हो तो अकारी और आकारी व्यक्ति माला अमन रमन छगन ऐसे व्यक्ति का नाम जहां पर मात्राओं की गलती ना हो वैसे लिखो या खुद का नाम लिखो मात्राओं की और ध्यान दे पाठ्य पुस्तक में हर पाठ कविता जैसे मैंने बताया वही पानी उतर जाना ऐसे आपका मुहावरा है तो उसका अर्थ हो गया बेइज्जत होना गलती होने के कारण रमेश को अपने मालिक से पानी उतर जाना पड़ा जैसे वाक्य है जिस काल में है वैसे ही आप पानी उतर जाना का प्रयोग करना है उसके अर्थ का उपयोग नहीं करना उसमें एक और होता है अथवा मेरे ख्याल से आप आधा अंक अर्थ के लिए आधा अंक वाक्य के लिए लेने के बजाय अथवा जो है उचित मुहावरे का चयन कर वाक्य फिर से लिखे यहाँ पर आपकी गलती नहीं होगी क्योंकि आपको मुहावरा भी दिया होता है वाक्य भी दिया होता है सिर्फ वाक्य में वाक्य के अनुसार वो मुहावरा उस काल में प्रयुक्त करना है अभी काकी को देखते ही पंडित जी क्रोध में आ गए उसके लिए आपको में दिया जाएगा कि अर्थ क्या है तो काकी को देखते ही पंडित जी तिलमिला गए यानी मैंने कोष्टक यहाँ पर नहीं दिया है लेकिन तिलमिला गए जैसे काल में वाक्य होगा वैसे हमें वो इस्तेमाल करना है क्रोध में आ गए उसका अर्थ क्या हो गया तिलमिला वही हमने उस वाक्य में हमें नाइन्टी परसेंट दिया होता है टेन परसेंट हमें काम करना होता है यानी जो मुहावरा दिया है, है। उसे उसके काल के अनुसार प्रयुक्त कर रहा है। उचित मुहावरा और काल के अनुसार इतना ही ध्यान जहाँ अधोरिखित होता है वो उचित मुहावरे का चयन करना आवश्यक है इस तरह से मुहावरे के हिस में मैं आपको सुझाव देती हूँ कि चयन करके वाक्य फिर से लिखना ये अच्छी तरह से कीजिए अर्थ लिखने में गड़बड़ी हो जाएगी आधा अंक जा सकता है आपका अर्थ बराबर है वाक्य लिखने में गड़बड़ी हो सकती है वहां आधा अंक जा सकता है इस तरह से मुहावरे की तैयारी करनी है आगे देखेंगे कारक अभी मुहावरे के बाद कारक ये भी एक अंक का होता है कारक चिन्ह के लिए आधा अंक होता है और भेद के लिए आधा अंक होता है तालिका अवश्य करें मात्राओं की ओर ध्यान दें अभी कारक चिन्ह ये रट लो कारक चिन्ह और उसके भेद तो कर्ता कारक ने है राजा ने ये करता है ने को से के के लिए से काकी के पर में रखो ये, ये कारक चिन्ह है ने कर्ता कारक का है को कर्म कारक का है से करण कारक साधन लिखा है चाकू से आम काटा साधन का इस्तेमाल किया है के लिए संप्रदाय कारक है से अपादन कारक दोनों इसमें से है यहाँ पर अलगाव यानी पाठशाला से राम घर आया राम और पाठशाला अलगाव हो गया अलग हो हो गए पाठशाला में था घर आ गया अलगा हो गया अलगाव अलग, अलग होना तो ये से का प्रयोग करण कारक कौन सा होता है और अपादन कारक कौन सा है वो ध्यान में रखो का की के कारक जैसे मैंने बताया संबंध सूचक का का की के होता है संबंध कारक में भी का की के पर और में में की मात्रा एक है यानी घर में यानी अंदर अधिकरण कारक का है संबोधन संबोधन कारक अरे वाह वगैरह जो होता है किसी को बुलाते ए क्या कर रहे हो आप तो ये जो है ये संबोधन कारक है अभी उदाहरण दिया है पर्यटन में बहुत ही आनंद मिला ये वाक्य है तो कारक चिन्ह कौन सा है पर्यटन में बहुत ही आनंद मिला तो मैं अधिकरण कारक का है तो भेद उसका लिखना है दूसरा है करामत अली ने हाका भरते हुए कहा नहीं है तो ये करता कारक है यानी दो वाक्य दिए हैं उस दो वाक्य में आपको कोष्टक में किस तरह से लिखना है तालिका में किस तरह कारक चिन्ह और भेद ये तालिका बनानी है और लिखने हैं इस तरह से आपको ये कारक करना है कारक के बाद आ जाता है आपको यानी विराम काल परिवर्तन है लेकिन उत्तर लिखते समय प्रश्न क्रमांक डालकर उत्तर लिखिए विराम चिन्ह जो एक मार्ग के लिए आता है तो विराम चिन्ह कब कौन सा आता है इसका पता होना आवश्यक है आप वाक्य पढ़ते हो आपको वाक्य दिया सरल सरल वाक्य दिया होता है तो उसके बाद में वाक्य पूर्ण होने के बाद दंड देते हैं वो पूर्ण विराम है सभी विराम चिन्ह मालूम होना आवश्यक है आपको आप किसी को सवाल आप क्या कर रहे हो ये सवाल पूछा है तो प्रश्न चिन्ह आता है अगर मुझे टीचर ने ऐसे कहा कि उसके बाद में दो अवतरण चिन्हों का उल्लेख होता है और एक अवतरण चिन्ह आता है है कि मैं साई साई सदन सदन गया था साई सदन ये किसी किसी जगह का नाम, किसी का नाम नाम तो वो एक इकारी अवतरण चिन्ह में लिखना है लेकिन डायलॉग हो तो डबल अवतरण चिन्ह पूर्ण विराम वाक्य पूर्ण करने के लिए सवाल पूछा गया है तो प्रश्न चिन्ह है अगर मुझे दो तीन चीजें बतानी है तो अल्प विराम आ सकता है दो शब्द यानी आता है तो शब्द युग्म के लिए योजक चिन्ह आ सकते हैं यानी चिन्ह का यानी विराम चिन्ह को मालूम होना आवश्यक है एक वाक्य में दो या कभी कभार चार विराम चिन्ह का उपयोग होता है मात्रा की ओर ध्यान देना आवश्यक है मैंने उदाहरण दिया है मैंने कराहते हुए पूछा मैं कहा हूँ ऐसे वाक्य है अभी आपको उत्तर कैसे लिखा है मैंने कराहते हुए पूछा अल्पविराम आ गया वाक्य का है मैं कहा हूँ ये डबल अवतरण चिन्ह में आ गया दुहेरी अवतरण चिन्ह और सवाल पूछा है इसलिए प्रश्न चिन्ह आ गया यानी यहाँ पर आपको कैसे करना है विराम चिन्ह का उपयोग यह आपको मैंने बताया दूसरा वाक्य वाह आपने तो गजब कर दिया यहाँ पर कुछ भी कोई भी विराम चिन्ह ने तो वाह ये उद्गारवाचक चिन्ह आपने लगाया आपने तो गजब कर दिया पूर्ण वाक्य हो गया इसलिए वहां पर पूर्ण विराम यानी दंड दे दिया इस तरह वाक्य में आपको दो विराम चिन्ह लगाने हैं उसके लिए एक अंक है एक विराम चिन्ह बराबर आ गया आधा अंक मिल गया दूसरा भी आ गया आधा अंक मिल गया इस तरह से आपको एक अंक का होता है बाद में काल परिवर्तन काल परिवर्तन दो अंक के लिए तीन वाक्य पूछे जाते आपको काल पता ही है भूतकाल वर्तमान काल भविष्य काल जो हो गया है वो भूतकाल है जो चल रहा है चल रहा है वो वर्तमान काल है जो होने वाला है वो भविष्य काल है यहां पर उदाहरण दिया है रूपा दौड़ते दौड़ते व्याकुल होती है अभी ये अपूर्ण वर्तमान काल के लिए सूचना दी गई रूपा दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही है हो रही है हो रहा था अभी रहा है रहा था ये जो है लिंग और वचन के कारण अपूर्ण जो काल में जो क्रिया पूर्ण नहीं होती अपूर्ण होती है उसे अपूर्ण काल कहते काल के सात भेद है मुख्य तीन भेद है सामान्य फिर अपूर्ण और पूर्ण भविष्य काल सिर्फ सामान्य काल में पूर्ण। अपूर्ण और पूर्ण में पूछा नहीं जाएगा पूछते नहीं है सिर्फ सामान्य गागी लगता है आपको तालिका बताइए आपने काल पढ़ा है काल के लिए वापस यूट्यूब पर जाइए और काल कैसे पढ़ाया है वो देखिए तो आपको ये अंक अवश्य मिलेंगे यहाँ पर वापस मैं काल के लिए पूरी वक्त नहीं लूंगी आपको जो सूचना दी है आपने वाक्य नहीं लिखा तो भी चलेगा उत्तर लिखने के बाद वो उत्तर कौन से काल में किया है ये कोष्टक में सूचना लिखना आवश्यक है मैं गंध तो नहीं बेचूंगा सामान्य भूतकाल में करना है मैंने गंध नहीं बेचा ये सामान्य भूतकाल है इस तरह से आपको जो वाक्य दिए हुए जो सूचना दी है उसके अनुसार आपको करना है उसके पश्चात आता है वाक्य भेद वाक्य भेद भी दो अंक के लिए आता है एक है रचना के आधार पर और दूसरे अर्थ के आधार पर रचना के आधार पर आता है एक वाक्य के लिए अभी रचना के वाक्य के आधार पर तीन भेद है सरल वाक्य संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य अभी सरल वाक्य जो मैं आपसे बात कर रही हूँ ये सरल वाक्य है संयुक्त वाक्य दो वाक्य जोड़ा जाता है वो संयुक्त वाक्य है और मिश्र वाक्य एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है उसके बिना वो पूरा नहीं होता वो मिश्र वाक्य है तो पहले वाक्य जो है गाय ने दूध देना बंद कर दिया है क्योंकि वो बूढ़ी हो गई है दोनों वाक्य अलग-अलग लें तो अर्थापलापर इन्हें अलग-अलग हो जाए वो बूढ़ी हो गई है कौन गाय बूढ़ी हो गई है दूध देना बंद कर दिया ये दो वाक्य जोड़े गए हैं क्योंकि से सरल वाक्य है सबकी अपनी अपनी सांस्कृतिक परंपरा है उसमें कोई भी जोड़ा नहीं गया है दूसरा वाक्य मिक्स नहीं हुआ है तो ये सरल वाक्य है संयुक्त वाक्य में हम टैक्सी में बैठे और टैक्सी दौड़ पड़ी टैक्सी में हम टैक्सी में बैठे एक वाक्य हो गया टैक्सी दौड़ पड़ी ये दूसरा वाक्य हो गया ये दोनों वाक्य अलग करने पर भी वाक्य का अर्थ हमें समझ में आता है वह संयुक्त वाक्य है मिश्र वाक्य इसके बारे में भी आपको यानी अर्थ के आधार पर और वाक्य के आधार पर आपकी अच्छी तरह से यानी आपका YouTube चैनल पर आपको मिलेगा अर्थ के आधार पर होता है कि छह सात भेद है उसके आज्ञा वाक्य तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए ऐसे आज्ञा वाक्य करने के लिए कहा है तो क्या करोगे तुम अपना ख्याल रखो मानू इतना ही बोल सकी प्रश्नार्थक कीजिए इतना ही बोल सकी मानू क्या इतना ही बोल सकी मानो ऐसे भी हो सकता है कितना सुहावना मौसम है विस्मयार्थक वाक्य वाह कितना सुहावना मौसम है ऐसे अर्थ के अनुसार वाक्य के आठ भेद है निषेधार्थक कीजिए संदेहार्थक कीजिए ऐसे अलग अलग आते हैं आपको दो वाक्य तीन वाक्य देते हैं यानी अर्थ के के आधार पर एक अंक लिए दो वाक्य देते हैं उसमें से आपको एक करना है और प्रश्नार्थक करने के बाद प्रश्न चिन्ह लगाइए विस्मयार्थक करने के बाद विस्मयार्थक चिन्ह लगाइए यानी जो कुछ है और वो करना आवश्यक है उसके बाद आता है अंतिम वाक्य शुद्ध करना दो अंक के लिए हर वाक्य में दो गलतियां होती है आपको वाक्य तीन दिए जाते हैं उसमें से दो करने हैं हर वाक्य में दो गलतियां होती है तो गलतियां जो होती होती मात्रा के आधार पर होती है, शब्द के आधार पर होती है लिंग वचन कारक के आधार पर होती है वो सुधार करनी है और ये वाक्य भी आते हैं तो आपके पाठ्य पुस्तक से आपने जो पढ़े हैं उस पर ही आते हैं एक गलती सही की तो आधाक दो गलती सही की तो एक अंक इस तरह से आपको लिंग वचन कारक तथा मात्राओं के बदलाव से वाक्य शुद्ध करना होता है यहां पर उदाहरण दिया है हम दो आंख से देखते हैं हम दो आंखों से दो वचन बदलो आखि एक वचन हुआ आंखों से तो ये दो वचन के बदल से हो गया दो आंखों से देखते हैं है एक वचन है तो बिंदी नहीं आती बहुवचन होने पर बिंदी आती है इन्हें दो सुधार हमने किए हैं मुछ बड़ा थी मुछे बड़ी थी ये ध्यान में रखो मुछे बड़ी थी मुछ बड़ा था ऐसे नहीं कहते तो कभी कभी सुनने में भी हमें अटपटा लगता है तो जहां अटपटा लगता है वहां पर हमें सही करना है ये ध्यान में रखो इस तरह से व्याकरण की तैयारी मैंने चौदह अंक के लिए कैसे लिखे जाना है कैसे आते हैं और उसके लिए अलग अलग हमारे YouTube चैनल पर आप बी यानी आप मराठी चैनल पर गए नौवीं कक्षा के लिए दसवीं कक्षा के व्याकरण पर भी गए तो भी व्याकरण दोनों तरफ आपको एक ही मिलेगा तो इस तरह से आप अलग अलग जो आपने स्वाध्याय लिए है भाग इन्हें यहाँ पर लिए है अर्थ के आधार पर वाक्य के आधार पर कारक है उसके लिए अलग अलग लेसन लिए हैं हमारे अध्यापकों ने वहां जाकर आप आपकी पढ़ाई और आप अच्छी तरह से जान ले सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आता होगा तो अभी हम रचना विभाग की ओर बढ़ेंगे जो छब्बीस अंक का रचना विभाग है रचना विभाग के अंतर्गत पहला है पत्र लेखन पांच अंक का आता है और ये पांच अंक के लिए दो पत्र पूछे जाते हैं औपचारिक पत्र अनौपचारिक पत्र अभी औपचारिक पत्र जो है उसका प्रारूप आपके सामने मैंने रखा है दिनांक आवश्यक है विषय कैसे दिया है उस पर आधारित आपका दिनांक होना चाहिए बारिश का पूछा गया है और आप मार्च में लिखेंगे तो नहीं चलेगा प्रति किसे भेजना है वो उसका पद क्या है अध्यापक है व्यवस्थापक है जो पता दिया है वो पता लिखना है और ईमेल उस पर आधारित ही करना है विषय बाद में महोदय विवेचन विवेचन के अंतर्गत तीन परिचे आएंगे आरंभ मध्य समापन बाद में पत्र की समाप्ति करते समय भवदीय आपका भवदीय लिखेंगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि आपका का मतलब ही भवदीय है और भवदीय का मतलब ही आपका है तो, आप, अगर आपका, लिखेंगे, तो आपका आपका ऐसे अर्थ हस्ताक्षर जो नाम आपको दिया है वही लिखे आपका नाम नहीं लिखे नाम वहां पर पूरा नाम दिया है वो पूरा नाम यहाँ पर आना चाहिए हस्ताक्षर के समय सिर्फ नाम आना चाहिए जो पता दिया है कृति पत्रिका में वही पता आना चाहिए और बाद में ईमेल यानी दोनों तरफ ईमेल आने चाहिए कौन भेज रहा है और किसे भेज रहा है अभी औपचारिक पत्र के अंतर्गत यानी शिकायत पत्र प्रार्थना पत्र और मांग पत्र आते हैं इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है कि बारह तेरह जो उसके पॉइंट्स हैं वो पत्र लिखते समय ध्यान में रखना है उसके अनुसार ही आपको करने हैं अभी एक यहाँ पर पत्र लिखकर मैंने बताया है नौ जुलाई यहाँ पर माह का इस्तेमाल होना जरूरी है जनवरी फरवरी हिंदी में ही आने चाहिए मराठी के नहीं तो अगर नहीं आता होगा तो जुलाई के जो है बीस दो हजार इक्कीस जो कुछ है जैसे आपका विषय होगा उसके अनुसार प्रति व्यवस्थापक श्री बुक डेपो आनंद नगर यानी ये आपका पता हो गया यहाँ पर एक अंक मिलता है ईमेल और माननीय महोदय और विषय उसके लिए एक अंक होता है तो ईमेल अभी एट द रेट जी मेल डॉट कॉम ऐसे मैंने तैयार किया श्री डेपो है ना तो श्री उसके लिए लिया एट द रेट जी मेल डॉट कॉम विषय क्या है पुस्तकों की मांग माननीय महोदय यह हमने संबोधन किया या नमस्कार चमत्कार कुछ भी नहीं करना है क्योंकि औपचारिक लेटर है मैं प्रतीक साने हमें जो नाम दिया है वही लिखना है खुद का नाम नहीं लिखना है आप लड़के का नाम इस्तेमाल कर सकते हैं लड़की का नाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन ध्यान रहे कि वाक्य रचना करते समय लिंग की ओर हमें ध्यान देना है अगर लड़के का नाम लिखा है तो पुल्लिंग में ही हमारे वाक्य होने चाहिए लड़की का नाम लिखा है तो लड़की के हिस्से में ही लिंग होना चाहिए मैं प्रतीक साने पाठशाला के विद्यार्थी प्रतिनिधि के हैसियत से ग्रंथालय के लिए निम्नाकित पुस्तकों की आवश्यकता है पेशगी के तौर पर पेशगी यानी एडवांस दो सौ रुपए भिजवा रहा हूँ शेष रकम पुस्तकें प्राप्त होने पर भिजवाई दी जाए भिजवा दी जाएगी पुस्तकों के नाम इस प्रकार वहां पर दिए है तो अच्छे है नहीं दिए है तो प्रॉब्लम है तो हमें ध्यान में रखना है कि हम जब पढ़ाई करते हैं तो लेखक के नाम और कौन से पुस्तक में से ये लिया गया है वो ध्यान में रखना चाहिए अगर नहीं आया तो हमारा जो है लोक भारती दसवीं कक्षा लोक भारती नवी कक्षा हिंदी अंग्रेजी शब्द ऐसे हमें याद आना चाहिए कि वो लिखेंगे लाइब्रेरी के लिए हम मंगा सकते हम अगर पाठशाला के के ग्रंथालय लिए है तो हम आठ दस प्रतिया मंगवा सकते खुद के लिए होगा तो एक ही प्रतिया मंगवाएंगे दस किताब से हम पढ़ेंगे नहीं तो लिखिए किस लिए मंगवा रहे हो किसके लिए मंगवा रहे है ये ध्यान में रखना चाहिए यहाँ पर दिया है सेवा सदन प्रेमचंद का है चार प्रतिया मंगवाई कामा यानी जयशंकर प्रसाद जी की है तीन प्रतिया मंगवाई ऐसे पुस्तकों के नाम की आप तालिका करेंगे अभी ये लिख दिया तीसरा परिचे उपयुक्त पुस्तकें जल्द से जल्द भिजवा दीजिए जल्द से जल्द ये लिखते समय भी आप गलती करते हो जलद जलद लिखते हो तो वैसे नहीं होना चाहिए जल्द से जल्द भिजवा दी जाए उचित छूट की अपेक्षा है ये छूट क्या है तो मुझे डिस्काउंट चाहिए इतनी किताबें मंगवा रहा हूँ तो कुछ ना कुछ थोड़ा सा कम कीजिए तो उचित छूट की अपेक्षा है कष्ट के लिए क्षमा ही है प्रार्थना पत्र हो शिकायत पत्र हो या मांग पत्र हो ये दो वाक्य आवश्यक है कष्ट के लिए क्षमा धन्यवाद बाद में भवदीय लिखा क्योंकि ये प्रतीक है अगर यहाँ पर अलग नाम होता लड़की का नाम होता तो मैं भवदिया लिखती प्रतीक प्रतीक लिखा बाद में नाम के विद्यार्थी प्रतिनिधि है आदर्श विद्यालय गांधी मार्ग जब तक मेरा पता पूरा नहीं होता तब तक मुझे अल्पविराम देना है के यहां भी देखो और प्रेषक के यहाँ भी देखो ये नीचे है ये मेरा पता है ऊपर जो है जिसे मैं भेज रही हूँ उसका पता है नागपुर अभी ये नागपुर लिखते समय जल्दी जल्दी में लिख दिया और आपने मात्रा दूसरी लिख दी तो ये गलत हो जाएगा हिंदी में जितने भी पूरे है सोलापुर कोल्हापुर नागपुर वगैरह जो पूर है वो सब पहले वाले है बाद में ईमेल दिया ईमेल कैसे किया आदर्श विद्यालय तो आदर्श और वी विद्यालय का दिया एट द रेट जी मेल डॉट कॉम इस तरह से हमें ईमेल तैयार करने है ये आपके सामने मैंने औपचारिक पत्र का एक नमूना रखा दूसरी ओर जाएंगे अनौपचारिक पत्र ये अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत भी दिनांक आता है संबोधन आता है अभिवादन अभी संबोधन दिनांक और संबोधन के बीच में ईमेल करना है दोनों यहाँ ईमेल की जरूरत है तो यहाँ पर मैंने दिया नहीं है लेकिन आपको करना है अभिवादन प्रारंभ विषय विवेचन समापन हस्ताक्षर नाम पता ईमेल सब वैसे ही है सिर्फ यहाँ संबोधन और अभिवादन ये नया आया हुआ है और दिनांक के बाद पता दिया होगा आपके कृति पत्रिका में तो पता भी लिखना है और ईमेल भी करना है अगर पता एक का ही दिया है तो आपको ईमेल तो करना ही है यहाँ पर मैंने एक उदाहरण दिया है दिनांक 15 सितंबर 2020 प्रिया प्रिय प्रिया उसके बाद मैंने आपको एक्चुअली यहाँ पर ईमेल लिखना है मैंने लिखा नहीं है तो वो लिखना है ये ध्यान में रखो प्रिय प्रिया अभी अपने साथ वाले हो अपनी बहन हो छोटी बहन हो या हमारे मित्र हो उसके लिए प्रिय का इस्तेमाल करते हैं बड़े बुजुर्ग हो तो आदरणीय वगैरह सप्रेम नमस्ते हमारे बराबर वालों को करते हैं बड़े हैं उनके लिए प्रणाम करते हैं और छोटे हो उसे आशीर्वाद देते हैं यह सभी बातें रचना विभाग के अंतर्गत आपके पाठ्य पुस्तक में पीछे दी गई है जो कुछ है आपके पाठ्य पुस्तक में से ही मैंने उठाया है हम सब लोग यहाँ कुशल पूर्वक है तुम भी वहां कुशल होगी यह कामना करते आज के समाचार पत्र में तुम्हारा नाम देखा कि तुमने चित्रकला परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है यह जानकर मुझे बहुत आनंद हुआ अपनी इस विशेष उपलब्धि पर मेरी हार्दिक बधाई स्वीकार करो तुमने अपनी परिश्रम तथा प्रतिभा को कीर्तिमान किया है मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भविष्य में भी तुम्हें इसी तरह सफलता मिलेगी अपने माताजी तथा पिता अपने माताजी तथा पिताजी को सादर प्रणाम कहना यहाँ प्रणाम आया देखो बड़े बुजुर्ग जो है उनको प्रणाम करना आवश्यक है मुन्नी को मधुर प्यार या शुभ आशीर्वाद लिख सकते हैं इस तरह से हमारा ये अनौपचारिक पत्र होता है तुम्हारी सहेली यहाँ पर देखो मैंने भवदिया नहीं लिखा तुम्हारी सहेली तुम्हारा मित्र वगैरह जो कुछ होगा वो पल्लवी सिर्फ नाम दिया है बाद में पूरा नाम पल्लवी राठौड़ दो दो साई सदन तिलक नगर नासिक और मैंने ईमेल डाला है पल्लवी तीन जो कुछ उसका डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो होगा वैसे डाल सकते हैं या पल्लवी एट द रेट जी मेल डॉट कॉम भी डाल सकते इस तरह से औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र दोनों आपके सामने मैंने रखे अभी हम आगे देखेंगे गद्य आकलन जो चार अंक का होता है और वो गद्य आकलन आपको परिच्छेद देता है और परिच्छेद देने के बाद वो परिच्छेद पढ़ने पढ़ने पर आपको चार प्रश्न तैयार करने हैं कि जिसके उत्तर एक वाक्य में हो प्रश्न करते समय आपकी रस्व दीर्घ की गलती ना हो प्रश्न पूछने पर क्वेश्चन मार्क हो यानी प्रश्न चिन्ह हो चार प्रश्न ऐसे तैयार करें जिसके जवाब आपके परिच्छेद में मिलने आवश्यक है सवाल ही लिखना है उत्तर नहीं लिखना है और लिखते समय मात्राओं की और ध्यान देना है यानी आपके सामने परिचय दे वहां पर जैसे लिखा है वैसे ही आपको लिखना है तो ये गद्य आकलन में काल जो है वो भी मायने रखता है काल अगर गद्य आकलन अगर भूतकाल में है तो प्रश्न भी भूतकाल में होने चाहिए गद्य आकलन वर्तमान काल में है तो आपके प्रश्न भी वर्तमान काल में आने चाहिए तो ध्यान दीजिए काल की ओर ध्यान दीजिए प्रश्न चिन्ह की ओर ध्यान दीजिए और वाक्य रचना की ओर ध्यान दीजिए आपके सामने मैंने गद्यांश रखा है उसके चार सवाल भी कैसे किए मनुष्य जीवन भर कौन सी कोशिश करता रहता है तो ये कौन सी कोशिश करता रहता है तो आपको परिचित में मिल जाएगा मैं परिचित पढ़कर नहीं बता रही हूँ आपको ये बार बार YouTube चैनल पर देखकर आपको समझ में आ जाएगा उत्सव के दिन अब ये दिन लिखा है मैंने दिन लिखते समय मैंने गलती कर दी दूसरा लिखा तो गरीब हो जाएगा पहला का अर्थ है दिवस तो ये लिखते समय भी हमारी गलती नहीं होनी चाहिए हर शब्द के दो दो अर्थ होते हैं कुछ शब्द ऐसे होते हैं तो तो मैं एक मात्रा वाला में यानी अंदर दो मात्रा वाला में यानी मैं खुद मेरे दो हाथ है मैंने बताया था आपको कि दो हाथ है मैं तो ये मैं यानी मैं खुद ऐसे लिखना चाहिए उत्सव के दिन हमें कौन सी दुनिया में ले जाते तो वो उसका उत्तर यहाँ परिच्छेद में मिलेगा हमें सिर्फ सवाल करने हैं उत्तर नहीं लिखने हैं ये ध्यान में रखो प्रश्न चिन्ह अवश्य देना है पूर्ति के पास मिलने वाला पूर्ति के बाद मिलने वाला सुख कैसा होता है उत्सव का सुख किस तरह होता है ऐसे अलग अलग छोटे छोटे सवाल कीजिए जिसके उत्तर एक वाक्य में मिले वाक्य रचना अच्छी हो प्रश्न चिन्ह हो और काल के अनुसार आपके प्रश्न हो आपका परिच्छेद कौन से काल में है वैसे काल में आपको उत्तर देना आवश्यक है इस तरह चार अंक का और इसमें सबसे महत्वपूर्ण इस गद्य आकलन को उचित शीर्षक दीजिए ये सवाल नहीं करना है जीरो अंक ये समझ लीजिए तो ये से सवाल नहीं करने हैं तो उस पर आधारित ही सवाल करने हैं जवाब लिखने नहीं है सिर्फ सवाल ही लिखने हैं उसके बाद आता है आपको कहानी लेखन कहानी लेखन में हमें वृत्तांत लेखन भी आता है और कहानी लेखन भी आती है मेरे ख्याल से आप लेखन के जगह कहानी लेखन करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा क्यों क्योंकि कहानी लेखन में अस्सी प्रतिशत आपके सामने होता है मुद्दे होते हैं आपके यानी जो ढांचा दिया होता है वो होता है और आपको सिर्फ उसमें आपके वाक्य डालने हैं वो करने और कहानी है पांच अंक की है एक पेज काफी है पांच अंक के लिए यह ध्यान में रखो आप पूछते हो कितने पेज लिखने हैं तो कहानी पांच अंक के लिए तो एक पेज काफी है अभी एक कहानी लेखन जो है उसमें जो मुद्दे दिए हैं तो कहानी लेखन के अंक कैसे होते हैं एक अंक जो है आपके शीर्षक के लिए होता है कहानी के लिए शीर्षक आवश्यक है एक अंक वहां पर होता है सीख के लिए एक अंक होता है और बीच का जो हिस्सा होता है तीन परिचित करने होते हैं तो वो उसके लिए तीन अंक होते हैं कुल मिलाकर पांच तो ये पांच अंक हमें अच्छी तरह से आसान तरीके से मिल सकते हैं कहानी का ढांचा अच्छी तरह से पढ़ना है कहानी सत्तर से अस्सी शब्दों में लिखनी चाहिए फिर मुद्दों के आधार पर आपको लिखनी है मुद्दे क्या दिए हैं हर मुद्दों के जैसे मुद्दे दिए हैं पहले मुद्दे पढ़ने हैं कौन सी है शहर की है गांव की है जंगल की है वो देखना है वो कहानी कहाँ की है वो देखना है कहानी में पात्र कौन है पात्र के नाम देने आवश्यक है कहानी भूतकाल में ही होना आवश्यक है कहानी हमारे दादा दादी नाना नानी जो सुनाते हैं वो कहानी हमें भूतकाल में ही होती है। कहानी कहे तो भूतकाल में आनी चाहिए आपने शुरुआत तो की भूतकाल में था थी थे इसका इस्तेमाल होना चाहिए है का इस्तेमाल हो गया पूरा पहला परिचय था थी में था और बाद में ऐसे हुआ है वैसे हुआ है ऐसे करने लगे तो कहानी के मार्ग निकल जाएंगे तो कहानी पूर्णतः भूतकाल में होनी आवश्यक है कहानी में तीन परिच्छेद करो कहानी के पात्र और स्थान का नाम देना आवश्यक है सभी मुद्दों को लेकर कहानी पूर्ण कीजिए कहानी में मुहावरे और सुवचन जो आपने लग, मुहावरे का इस्तेमाल किया सुवचन का इस्तेमाल किया तो कहानी में चार चांद लगेंगे यानी कहानी आपकी साहित्यिक होगी अच्छी होगी पढ़ने लायक होगी कहानी ऐसे अच्छी लगनी चाहिए कि शुरुआत से अंत तक आपको बांध कर रहने चाहिए आपके सामने एक कहानी रखी है तो वो आप अच्छी तरह से पढ़ लो और पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि ढांचा देने के बाद कहानी कैसे लिखे यहाँ पर मैंने सिर्फ इतना ही बताती हूँ कि यहाँ पर शीर्षक लिखा है शीर्ष यानी ऊपर लिखना है नीचे लिखना नहीं है जैसे को तैसा या जैसी करनी वैसी भरनी और यहाँ पर सीख लिखे जैसे आप करोगे वैसा ही आप फल पाओगे तो ढांचा क्या है उस ढांचे के अनुसार डायलॉग आएगा किसी व्यक्ति का, व्यक्ति के साथ हो, तो वहां दुहेरी अवतरण चिन्ह में वर्तमान काल में डायलॉग आ सकते हैं ऐसे नहीं कि वर्तमान काल नहीं आ सकता दोनों की बातचीत हो गई हो तो वहां वर्तमान काल आ सकता है जैसे यहाँ पर आया है पैसे तो बराबर लेते हो पर तोलते तोल ग्राम के मक्खन देते हो ऐसे जो है दुकानदार ने कहा है किसान को तो वाक्य जो है वो वर्तमान काल में है और अवतरण चिन्ह दुहेरी अवतरण डायलॉग है इसलिए वो वैसे आया है तो कहानी आप YouTube चैनल पर जाकर अच्छी तरह से पढ़िए मैं पढ़कर नहीं दिखा रही हूँ वक्त के कारण लेकिन आपको सभी बार बार यहाँ पर आपको अच्छी तरह से मिलेगा YouTube चैनल पर जाएंगे तो बाद में यहाँ पर मैंने इसका नहीं बताया किसका वृत्तांत का नहीं बताया इसके साथ आपको विज्ञापन भी आता है विज्ञापन का यहाँ उल्लेख मैंने नहीं किया है तो लेकिन विज्ञापन जो है वो विज्ञापन जो है आपको पांच अंक के आते हैं पांच अंक का विज्ञापन यानी कोई भी आपके करंट टॉपिक ले लो या भी ये कोरोना चल रहा है कोरोना में आप कैसे तरीके से आप आ, वस्तु मंगवा सकते हो पाठशाला के लिए तो क्या क्या मंगवाओगे सैनिटाइजर मंगवाओगे फिर टेम्परेचर देखने के लिए वो कुछ वस्तुओं जगह और व्यक्ति के बारे में विज्ञापन होता है विज्ञापन लिखते समय शीर्षक देना आवश्यक होता है महत्वपूर्ण तीन चार बातें जो होती है यहाँ पर मैंने विज्ञापन का उदाहरण नहीं दिया है लेकिन मैं बता रही हूँ पॉइंट्स देने होते हैं अगर किसी व्यक्ति का हो माली मंगवाना है माली मंगवाना है मतलब की आवश्यकता तो माली की आवश्यकता आठवीं पास होना चाहिए या पढ़ा लिखा होना चाहिए फिर स्थानिक मालिक को ज्यादा प्राधान्य है यानी यहाँ नजदीक रहने वाला हो तो अगर नहीं है तो बाद बाद में और क्या कि उसे पांच साल का अनुभव होना चाहिए अनुभव हो तो माली नहीं तो नया नया लेकिन किसी व्यक्ति को अनुभव दिए बिना वो अनुभव ही नहीं होता तो ये भी यहाँ पर देखना चाहिए ऐसे तीन चार पॉइंट आपको लिखने चाहिए वस्तु के बारे में हो कि विज्ञापन देना है या मंगवाना है उसके बारे में भी तो यहाँ पर अगर मेला लगा है तो मेले का अगर विज्ञापन देना है तो कब मेला शुरू होने वाला है तो आइए आइए जल्दी आइए और मेले के लिए तैयार हो जाइए अब ये मेला कहाँ लगा है उसका जगह भी होनी चाहिए वक्त भी होने चाहिए दस बजे से लेकर शाम के छह बजे तक है या आठ बजे तक है उस मेले में आकर्षक बातें कौन कौन सी है ये आपके पॉइंट्स हो गए ये पॉइंट्स आपको पॉइंट लिखने चाहिए एक नंबर दो नंबर तीन नंबर नंबर डालो या डॉट डॉट करके आपको ये लिखने चाहिए उसके बाद ने उसका संपर्क पता देना आवश्यक है ये कहाँ है मेला उसका एड्रेस देना जरूरी है ईमेल एड्रेस है तो ईमेल एड्रेस भी दे सकते हैं, वक्त देना जरूरी है फिर भ्रमण ध्वनि देना आवश्यक है भ्रमण ध्वनि यानी क्या मोबाइल नंबर ये सब बातें विज्ञापन में आना आवश्यक है आपका विज्ञापन का भी YouTube पर लेसन है वो भी आप अच्छी तरह से देख सकते हैं पर के बारे में मैंने कहा है कि परीक्षा में गद्य तथा पूरक पठन के लिए परिच्छेद में उस परिच्छेद के आधार पर दो अंक का स्वमत पूछा जाता है हमें इसका जवाब हमारे मन से देना होता है यह मत हमारा निजी होता है इसलिए हाँ या ना में दे सकते हैं पर उसका कारण भी देना है हर बात को अच्छी तरह से हम पढ़े तो हम हमारा स्वमत तैयार कर सकते हैं कुछ मिलाकर हमें आठ पाठ है यहाँ पर आठ पाठ नहीं हमारे यहाँ दो पाठ है तीन कविता और तीन पूरक पठन है तो उसकी अच्छी तरह से पढ़ाई करें शब्द संपदा स्वमत आकलन व्याकरण और रचना विभाग में से कुछ तीन भाग जो है कहानी है गद्य आकलन है और पत्र लेखन इसमें हम आसानी से पैतीस अंक प्राप्त कर सकते हैं और सबसे अंतिम निबंध है सात अंक का निबंध तीन अंक में मैंने तीन आपको विषय दिए जाते अभी आपके जो दूसरी इकाई है उसमें मैंने कुछ निबंध निकाले हैं सूखा बोल रहा है आपके पाठ के नीचे ये, मैंने मेरे कहीं से बाहर से नहीं निकाले मेरा प्रिय पशु जंगल पर आधारित है ईंधन की बचत समय की मांग है जल ही जीवन है मेरे सपनों का भारत मेरे पिताजी मेरी माँ मेरे दादाजी मेरे दादी वगैरह इस पर भी आ सकता है विश्व स्तर पर भारत की पहचान निराली है मेरा भारत महान ये विषय जो मैंने आपको अभी पढ़कर दिखा है ये आपके पाठ्य पुस्तक से ही है पाठ के नीचे है उसे अच्छी तरह से कीजिए आपके पाठ्य पुस्तक पर आधारित ही आपकी कृति पत्रिका होगी निबंध के बारे में भी YouTube पर आपका अच्छी तरह से है कि निबंध के पांच प्रकार है पांच प्रकार आत्मकथा है आपको तीन प्रकार पूछे जाएंगे निबंध में आत्मकथा आत्मकथा यानी कि नदी की आत्मकथा है तो नदी की आत्मकथा यानी मैं नदी हूं ये सोचकर आपको लिखना है मैं यहां से इन्हें मेरा जन्म हिमालय से हो गया और वहां से उठकर मैं खलखलाती हुई निकलती हूँ पहचाना ही होगा मैं कौन हूँ मैं एक नदी हूँ मेरा नाम लोगों ने इन्हें क्या रखा है गंगा अभी हिमालय है तो गंगा यमुना हिमालय में बहती है महाराष्ट्र में है सहयाद्री से गोदावरी बहती है तो भूगोल का भी यहाँ इस्तेमाल होता है तो यहाँ पर आत्मकथा करते समय मैं वह वस्तु निर्जीव हो या सजीव हूँ मैं फूल हूँ ऐसे शुरुआत नहीं करनी चाहिए फूल की आत्मकथा लिखते समय जहाँ पर मेरे रंगों के कारण मेरे आसपास तितलियां भौरे मंडराते हैं और मेरे सुगंध के कारण सभी आकर्षित होते हैं आपने मुझे पहचाना ही होगा कि मैं कौन हूँ तो मैं एक फूल हूँ तो मेरा जन्म कहाँ हुआ वन में हुआ गमले में हुआ ये सब लिखने हैं इस तरह से अपने आप को आत्मकथा में पेश करना है बाद में विचारात्मक हो विचारात्मक मोबाइल हो या न हो ये जो विचारात्मक है यदि परीक्षा हो या न हो ये विचारात्मक है आप अच्छे पॉइंट बुरे पॉइंट बुरे यानी क्या यानी उससे आपको क्या फायदा होता है उससे आपको क्या नुकसान होता है दोनों आपको पक्ष लिखने हैं बाद में मेरा प्रिय के आधार पर कोई चरित्रात्मक निबंध आ सकता है वर्णनात्मक निबंध मेरे गांव की शहर वगैरह वर्णन करता हुआ कि आंखों के सामने चित्र हमारे सामने रहना चाहिए इस तरह से सात अंक के लिए निबंध आता है ये निबंध जो है आपके पाठ पाठ्य पुस्तक में से ही पूछे जाएंगे मैंने आपको आठ विषय दिए हैं आपके दूसरे इकाई में से उस दूसरे इकाई में से आठ विषय जो दिए हैं वो आठ विषय में से कोई भी एक अलग अलग प्रकार के इसमें आत्मकथा के रूप से पूछा जा सकता है वर्णनात्मक रूप से पूछा जा सकता है वैचारिक के रूप में पूछा जा सकता है रूप में पूछा जा सकता है इस तरह से मैंने गद्य, बद्य, पूरक पठन व्याकरण और रचना विभाग जो 80 मार्क का आपकी कृति पत्रिका है आपके सामने हल करने की कोशिश की है आपको इस व्याख्यान के द्वारा आपकी कृति पत्रिका कैसी हल करनी है ये अच्छी तरह से समझ में आई होगी यह मुझे लगता है तो यहाँ पर मैं आपकी विदा लेती हूँ बी एम सी मराठी नाइन्थ टेंथ पर ग्रामर के लिए आप जा सकते हैं ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए लाइक भी कीजिए यानी अगले अगले आपको जो वीडियो है अलग अलग विषय के वो भी आपको मिलेंगे और आपको परीक्षा के लिए शुभकामनाएं धन्यवाद